मॉडिफाई में अगर आपने पासवर्ड डाल दिया तो वो खाली रीडेबल व्यू में आपको दिखेगी, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर लेकिन सकते। दिखेगा वो? हाँ तब दिखेगा, ठीक है ठीक है उसको ना वैसे ठीक आप है। अलग अलग लगा के देखें तो समझ आ जाएगा, दो चार बार नहीं मैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया था आज, मेरे को बस एक बेसिक यही क्वेरी थी कि भाई ये वर्कबुक और उसमें डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा। वर्कबुक मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द शीट्स हो गई, ऐसा ही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, विद इन ऑल दी शीट्स आप ना कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है ठीक है, तो चलिए फिर आज का आगे का आगे बढ़ते हैं। चलिए हालांकि चलिए। नंबर फॉर्मेटिंग में आपने कहाँ तक किया, टाइम तक टाइम हो गया, टाइम आई थिंक परसेंटेज टाइम, हाँ ये सब कराया हुआ है, और उन्हें सब कराया तक, हुआ है। ये कस्टम फॉर्मेट बता देता हूँ मैं यहाँ, ये नहीं बताया होगा, ये कस्टम जो का बता दीजिए। कस्टम में ये जो आड़े टेढ़े निशान होते हैं इनका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। ठीक चलो है, कस्टम फॉर्मेट की शुरुआत होती है, देखिए ये नंबर फॉर्मेट जो है सबसे पहले समझने की बात है, ये प्री डिफाइंड है, पर आप अगर आपको ऐसे रूल खुद से बनाने हैं तो क्या करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक्चुअली आपके डेटा की रियलिटी को चेंज नहीं करता, ओरिजिनलिटी नहीं चेंज होती, खाली विजिबिलिटी चेंज होती है। सपोज लास्ट में उन्होंने दिखाया होगा एक एग्जांपल कि आपने चेक नंबर कुछ इशू किए तो ये डाल रखा है इस तरह से जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसे मान लीजिए टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है कुछ। अब इसमें एक चीज थी कि यहाँ पे जो साइड में जो एरर आ रही है, यहाँ पे जब हम इससे जाएंगे कन्वर्ट नंबर कर देंगे, मान लीजिए गलती से ही हो जाता है तो क्या करेंगे, आगे की जो जीरो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, मतलब ये टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर मैं इसके आगे वापस वो जीरो लगाना चाहता हूं तो ये प्रॉब्लम हो गई, आगे मतलब जीरो कैसे लगाऊंगा ये मुझे नहीं पता, अगर मेरे पास डेटा ज्यादा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इसके लिए क्या करूंगा, कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा, कस्टम फॉर्मेट्स में पहली चीज क्या करूंगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये छह डिजिट के थे चेक नंबर, तो इसमें 6 टाइम 0 डाल दूंगा। ठीक है जी, 6 टाइम 0 डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। आ गए ठीक सर। है। अब इसमें एक चीज ध्यान हाँ देने वाली है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको एक्चुअल वैल्यू दिख रही है, पर यहाँ विजिबिलिटी चेंज हुई है उसकी खाली। एग्जैक्टली ठीक है सर, एग्जैक्टली तो ये खाली प्रिंटिंग पर्पस के लिए है। अगर इसमें आप कैलकुलेशन भी कर मतलब इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जब भी दिखाएगा, तो खाली ऊपर ऊपर से चेंज हुआ है, अंदर से इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी स्ट्रक्चर में इसके कोई चेंज नहीं। समझ गया। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं इस जीरो का मतलब क्या है, ये जो जीरो डाला हमने इसका मतलब क्या है। जीरो होता है कि प्लेस होल्डर होता है एक आपका, मतलब एक ब्लैंक, एक तरह से आपने एड्रेस डिफाइन कर दिया कि यहां पे कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, अब उसे कुछ भी देना पड़ेगा, जहां तक तो उसके पास वैल्यू है वो दे रहा है, बट जहां नहीं है वहां जीरो दिखा देगा। सिंपल, जितनी बार भी जीरो डालेंगे तो जितनी वैल्यू होंगी वो दिखा देगा और बाकी वाली को वो जीरो से फिल कर देगा। ठीक मतलब है अगर मैंने 6 बार जीरो डाल दिया तो वैल्यू मस्ट बी 6 डिजिट। ठीक है, चाहे आपने 3 ही एंटर करी तो 3 आगे वो जीरो ले लेगा। तो ये तो हो गया जीरो का यूज इसमें। अगर मान लो मैं इसमें 3 जीरो लेता, हालांकि 3 जीरो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 4 डिजिट तो वो खुद ही है पहले से, 4, 5 और 3, राइट सबसे ना। बढ़िया अगर मैं तरीका 3 जीरो लेता, वो जहां पे आ रहा है वहां तो वो रोक नहीं सकता। ठीक है, एग्जैक्टली इसको फॉर्मेट प्रिंटर से, ये नंबर फॉर्मेटिंग है यानी पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग है, तो हम इसे फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट को हम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ यहाँ
छह बार जीरो डाल देता हूँ, जहां है पहले ही वहां वो नहीं चेंज करेगा, जहां नहीं है वहां दे ठीक देगा। है, ठीक है सर, अब क्या स्विच करते ऑफ हो हैं? जाए पजवानी कर दिमित्री ला। हाँ सॉरी चलिए। अब क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए आपको नंबर डालने पड़ते हैं, मोबाइल नंबर डालने पड़ते हैं कंट्री कोड के साथ, ठीक है जी। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कंट्री कोड साथ में लगा होना चाहिए, जो भी नंबर डालू तो मैं एरिया सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वन पे जाऊंगा, कस्टम में जाऊंगा और यहां पे टाइप करूंगा +91। ठीक है, सैंपल में देख सकते हैं हम क्या इफेक्ट है इसका। अब देन क्या करूंगा, स्पेस दे दूंगा या डैश दे दूंगा, जो भी देना चाहता हूँ। फिर 10 टाइम 0 टाइप करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सर, हर एक के आगे +91 लिखा आ ठीक गया, है, पर हमने यहाँ पे यूज किया था 0, यानी कि अगर नंबर में मेरे कोई भी गड़बड़ है तो ये आगे 0 से फिल कर देगा उसे। ठीक ठीक है। है जी, अब देखिए +91 जो थी एडिशनल स्ट्रिंग थी, ऐसे हम नंबर्स या टेक्स्ट डायरेक्टली दे सकते हैं जो कि हमारी इससे आगे आ जाएंगे, मतलब हमारे नंबर या वैल्यू के आगे आ जाएंगे। ये नंबर्स के लिए बता रहा हूँ, टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा अलग चलता है, ओके तो नंबर को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पर बात आती है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 बार 0 कर दिया तो 0 क्या करता है, बिहेव करता है कि डिजिट पूरी करनी है उसमें, अगर वैल्यू नहीं है तो उसे वो फिलअप कर देना गैप जो भी रहेगा। डालेगा। हाँ जी डालेगा। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश दे देंगे, यहाँ पे हैश दे देंगे, उतनी बार भी दे सकते हैं आप, हैश दे देंगे 10 11 बार। ठीक है जी, तो ये इस फॉर्मेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करेगा। हैश ठीक जो है ठीक है है अभी भी प्लेस होल्डर है उसका, नंबर को रिप्रेजेंट करता है हैश यहाँ पे। ठीक है जी, 0 और हैश दोनों ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एट द रेट क्या करता है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके आगे वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है ठीक कि है। 0 उसको फिल कर देता है, हैश फिल नहीं करता है। अब मान लीजिए हम, मैं आपको जो मीटिंग आईडी भेजता हूं वो होती है 9 डिजिट की, इस तरीके से भेजता हूं। मैं चाहता हूं कि इनके बीच में जो डैश है वो अपने आप आ जाए, डैश जो है अपने आप आ जाए 3 3 डिजिट के बाद। ठीक है जी, ठीक कस्टम है फॉर्मेटिंग में डालता हूं। अब डिजिट के लिए जो प्लेस होल्डर है हमारा हैश है यहाँ, तो हम टाइप करेंगे 3 बार हैश, बाद में क्या चाहते हैं डैश, फिर 3 बार हैश, फिर डैश, फिर 3 बार हैश, बस इतना ही चाहिए, बीच में 2 चाहिए ना 2 डैश, तो ये आपके डैश इसके बीच में आ गए, मतलब उसने सेपरेट कर दिया तीन तीन के ग्रुप में। ऊपर सैंपल दिखा रहा है वो। हाँ जी हाँ जी। अब इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए एक चीज देखते हैं कि अगर हमारी ज्यादा डिजिट की पड़ गई तो क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, तीन तीन यहां से छाटनी शुरू की, पर जो जितनी ज्यादा थी उसने आगे उठा के रख ली। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक है, हमने ग्रुप तो किया अगर तीन तीन नाइन का। होंगे तो 3 3 3 लेगा, हाँ अगर अगर मान लो 16 हो गई तो आगे 4 ले लेगा, बाकी फिर 3 3 के 5 ले लेगा, ये 4 ले लेगा। मान लो अगर 3 से डिविजिबल है तो इक्वली ले लेगा, बाकी के सारे सबसे पहले डाल देगा, ऐसा। यस यस यस, ये ऐसा ही है एकदम। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड सर, हेलो अगर मान लो बहुत ज्यादा नंबर है, मान लो 1000 नंबर है, हम 1000 बार तो नहीं सर, डालेंगे। एक मिनट सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, कौन है, क्लास दे रहा था यार, क्लास दे रहा। हाँ 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 स्पेशल है। हाँ जी सर बताइए। मैं बोला था अगर मान लो 1000 डिजिट होंगे, फिर उस केस में क्या करेंगे हम लोग?
कितने डिजिट होंगे सर? 1000 या जो भी लिमिट है एक रो की, नंबर ऑफ डिजिट्स एक रो में आ सकते हैं। हाँ अगर उसमें हमें तीन तीन में डैश लगाना है तो यहाँ हम बार बार नंबर 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 डैश नंबर 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 डैश नंबर नंबर तो नहीं लिखेंगे, उसके हाँ लिए अलग रहेगा कुछ। अगर मान लीजिए कि करेक्टर इतने आते हैं कि आपको पता नहीं कितने आने वाले हैं, हाँ तो उसके लिए तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है ठीक ठीक है कस्टम फॉर्मेट जो होता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना रहे हैं हम सर ओके उसका, तो ओके प्री डिफाइंड फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेंगे जैसे हमें पता है 10 डिजिट के नंबर हैं, हमें ये पता है 6 डिजिट के चेक नंबर हैं, हमें पता है 9 डिजिट की मीटिंग आईडी है, तो इनके लिए तो आप यूज करेंगे। मान ठीक लीजिए कैसे क्या होता है कि कई बार हमें ना उसमें वो लगाना होता है जैसे पार्टी नेम डाल रहे हैं, ठीक ये एज ए फॉर्मूला कहीं कॉपी नहीं हो सकता है जी? नहीं सर, जो भी संदीप, जो भी जैसे मान लो तीन तीन का गैप हमने यहां दिया। जो भी आप कस्टम फॉर्मेट बनाएंगे वो आपका सिर्फ उसी फाइल में एप्लीकेबल होगा। अगर आपको सेव करके रखना है तो उसे कहीं से अलग फाइल में उसको सेव करके रखें, और मतलब ऐसे कोड्स को एक कलेक्शन बना लें और उस फाइल को साथ रखें, जब जरूरत हो तब पेस्ट करें। इसमें कस्टम फॉर्मेट सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इसमें अगर मान लो ड्रैग करके कुछ, जैसे अभी डी कॉलम में है, अभी आप में D2 में भी ऐसा सेम टू सेम नंबर डाल दूं, 9876784 65, फिर कहीं से ये चीज कॉपी हो सकती है या फिर मुझे कस्टम में ही जाना पड़ेगा और फॉर्मेट अगेन करना पड़ेगा? देखिए कॉपी करने का एक तरीका है, अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ सेम टू तो सेम आ हाँ, जाएगा। तो वैसे तो ये तो डायरेक्ट कॉपी हो रहा है, मान लीजिए जहां पे फॉर्मेट नहीं लगा हुआ है तो फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से फॉर्मेट को इंटर किया यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। अदरवाइज इसके कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड देना पड़ेगा, ठीक है जी, यहाँ कोड देना पड़ेगा। अगर यहाँ के कोड जो है ना, आप ऐसा कर सकते हैं इनको कॉपी करके कहीं रख सकते हैं अपने पास, अच्छा क्योंकि ये कस्टम फॉर्मेट क्या होते हैं कि सिंगल फाइल पे ही इम्पैक्ट करते हैं, पूरे उस पे नहीं, ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी अभी आपने जस्ट फॉर्मेट पे एंटर किया, अभी हाँ जी, जब अभी यहां से D2, ठीक है हाँ मैंने फॉर्मेट पे इंटर किया, हालांकि ठीक कॉपी है। पेस्ट करते हैं हम, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे फॉर्मेट्स पेस्ट होते ही होते हैं साथ में। पर मान लीजिए ये पेस्ट एज वैल्यूज किया था आपने, इस तरह से आया, तो आप फॉर्मेट पे इंटर यूज कर सकते हैं या ओके फॉर्मेट ठीक पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, सेम नंबर ठीक है फॉर्मेट सर लाने के लिए। ओके। अब क्या करते हैं इसके आगे देखते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में इसी तरह से चलते हैं, मतलब डैश डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं। डेट में इनका क्या काम आता है? डेट में अच्छा खासा यूज है ये, तो एक हो गया हमारा फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए, मतलब कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट बनाने के लिए। अब बात करते हैं डेट की। सपोज मैंने करंट डेट डाल दी है, सिस्टम से उठा ली। अब मैं डेट में हम जितने फॉर्मेट देख रहे थे सर, इन सबको कैसे डील किया जाता है, कस्टम में आएंगे तो ये करंटली फॉर्मेट दिखा रहा है हमें MM/DD/YYY, यहाँ फॉर्मेट दिखा रहा है, ओके तो ये ठीक एक्सेसिबल है है MM/DD/YYY से। क्या होता है बेसिकली, जब आप ये फॉर्मेट हटा देते हैं तो वैल्यू हो जाती है जनरल में, तो जनरल फॉर्मेट में चली गई। अब हमें स्पेशल फॉर्मेट अपने कस्टम फॉर्मेट में ही काम करने हैं। कस्टम में क्या करेंगे, जब आप सैंपल में देखिए, जैसे ही मैं डी डालता हूँ तो ये डेट ले लेता है, मेरी डेट दिखाने लगा डे, ठीक है जी। ठीक है डबल डी लेता हूँ तो ये डबल डिजिट में डेट दिखाता है, जैसे पहले क्या ओके दिखाता है 1 2 3 4 5 6, और अब क्या दिखाएगा 01 02 03 04, इस तरह से 3 बार जब डी डालते हैं तो उसका मतलब होता है एब्रीवेटेड डे नेम, ओके मतलब सन मन इस तरह से दिखाता है। 4 बार ठीक जब समझ डी गए 4 बार डी डालेंगे तो फुल नेम, ओके फुल डे नेम। अब इसके बाद आप इसी के अंदर और भी तरह से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डे नेम दिखा दिया, मैंने डाला कॉमा स्पेस, अब फिर डी डी कर लिया तो ये मुझे डेट दिखाने लगा अगेन, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं राइट कि यहाँ पे डैश आ जाए, डैश आया, अब मैं करूंगा एम
सिंगल एम करूंगा तो मंथ का वो डिजिट में दिखाएगा 1 2 3 4 5, डबल एम करूंगा तो डबल डिजिट में मंथ को दिखाएगा मेरे, तीन बार एम करूंगा तो मेरे को एब्रीवेटेड मंथ नेम दिखाएगा तीन डिजिट ओके में, चार बार ठीक है करूंगा तो फुल मंथ नेम दिखाएगा, ठीक है जी, ओके ठीक है पांच बार करूंगा तो फर्स्ट इनिशियल दिखाएगा, ठीक है पांच जी, बार के बाद थक जाता है वो, कहता है भाई एक ही ले लो अभी, ऐसा हाँ जी हाँ जी, इसके बाद आगे नहीं दिखाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो मैं फुल नेम ले लेता हूँ। देन डेट में दो तरह के चलते हैं, वाई वाई, और मतलब दो बार वाई डालें या चार बार वाई डालें, तो उसका होता है 2014 या खाली 14, तो आप ओके ये ठीक फॉर्मेट अपने हाथ से बना सकते हैं, है ठीक है सर। ठीक है अब क्या करेंगे, तो डेट के हमारे सारे फॉर्मेट इसी तरह से चलते हैं, आप चाहे तो सिंगल दिखा सकते हैं चाहे तो डबल। अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने अभी नहीं कराया ना शायद, हाँ नहीं नहीं कराया, नहीं कराया हाँ तो उसको मैंने इसीलिए रोक रखा है क्योंकि उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ओके ओके ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा डेट के फॉर्मेट हो गए, अब चलते हैं टाइम के फॉर्मेट की ओर। यहाँ मैंने टाइम डाला, ठीक है जी, टाइम के फॉर्मेट किस तरह से चलते हैं, यहाँ पे अभी मुझे दिखा रहा है आवर, एच एच का मतलब आवर हो गया, सिंगल डिजिट में कर रखा है, और कॉलन तो कॉलन यहाँ दिखा रहा है, MM डबल डिजिट में आपके ये हो गए क्या नाम है मिनट्स, देन मिनट AM PM, सर AM PM, AM या PM के फॉर्मेट में दिखा रहा है, मतलब 12 घंटे के फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर मुझे ठीक सेकंड भी चाहिए तो मैं यहाँ कॉलन डाल के SS भी कर सकता हूँ, तो मुझे ये सेकंड भी दिखाएगा, ओके 0-0 कर देगा ठीक है जी। अब इसको शुरू से चलते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, H डालेंगे तो आपको R दिखाएगा, सिंगल H का मतलब है आपको R दिखाएगा सिंगल डिजिट में, डबल का डबल डिजिट में दिखाएगा, अभी आपको ओके 14 ओके दिखा वो रहा है क्योंकि मैंने AM PM नहीं लगाया, AM PM जैसे ही लगाऊंगा ये फॉर्मेट डिसाइड कर दो हो लेगा, जाएगा, वो दो हो जाएगा अपने आप ही। हाँ MM मिनट और फिर SS कहाँ गया, HH MM SS। अब इसके बाद मैं AM PM को टाइप कर सकता हूँ, AM PM, जैसे ही AM PM मैंने टाइप किया वो AM PM में आ गया। दूसरा क्या ठीक होता है A/P, तो A या P आपके साथ प्रीफिक्स करके दिखा देता है, ये दो ही तरह के फॉर्मेट होते हैं, AM/PM ये इसी तरह से चलता है क्योंकि कोड ऐसा ही है, या फिर ओके A/P। अब क्या है ये ए स्लैश पी कहाँ यूज होता है? यूनिवर्सल कहीं देखा तो नहीं यार, ये जनरली रहता है एपी, ये एम नहीं हो, डालते विदाउट एम। ये इसमें मतलब इसमें होता है, ये फॉर्मेट होता है इसीलिए मैं ओके बता रहा हूँ आपको क्योंकि ओके ओके सिंगल में ठीक होता है। ठीक है और ठीक क्या करते हैं, अब ये तो रही कि 12 घंटे और 24 घंटे में दिखाने वाली बात, ये 24 घंटे में दिखा रहा है, ये 12 घंटे में दिखा रहा है, पर मुझे ठीक है चाहिए कि आवर कोई लिमिटेड ना हो, मतलब 24 से अगर मुझे 25 घंटे दिखाने हैं तो कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको डाल दूंगा बड़े ब्रैकेट में, तेरी यहाँ आ गया, मान लीजिए इसमें मैंने दिखाया 31 घंटे और 20 मिनट 10 सेकंड, ये मैंने टाइम दिखाया, पर अभी ये बदल के मुझे कुछ और दिखा रहा है क्योंकि इस फॉर्मेट में है, मैं इसको फॉर्मेट तो अलग है। हाँ इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और एच से पहले मैं ये लगा देता हूँ बड़ा ब्रैकेट, बिल्ट इन फॉर्मेट, एच को मैं अलग से कर देता हूँ क्योंकि AM PM लगा था उस कारण वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, तो एच में अगर मैंने दिखा दिया तो ये मुझे पूरा ऐसे दिखाएगा 31 20 10,
बड़े ब्रैकेट का मतलब है 24 घंटे से पार जाना, ये 24 घंटे से पार चला गया। खाली मैं एच भी डाल सकता हूँ बड़े ब्रैकेट के साथ, तो पूरे आवर्स दिखाएगा मुझे। अब इसी बड़े ब्रैकेट्स में अगर मैं मिनट दिखा देता हूँ, मतलब 31 घंटे 20 मिनट मिलाकर जितने मिनट हुए वो इसने दिखा दिए, ओके okay. ठीक है जी। अगर इसी में मैंने एस एस डाल दिया, एस या एस एस कुछ भी डाल दीजिए, तो ये टोटल सेकंड दिखाएगा 31 आवर्स, तो टोटल आवर्स दिखाएगा। तो इस तरह से आप टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके टाइम की सारी क्वेरी सॉल्वड है, टाइम में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ओके, तो हमने इसमें देख लिया नंबर कैसे यूज करते हैं, डेट कैसे करते हैं, टाइम कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ नंबर्स के लिए। ये तो मैंने आपको दिखाया कि एक टेक्स्ट के लिए था, टेक्स्ट में फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए। अब नंबर में क्या करते हैं, नंबर में किस तरह से होता है हमारे, यहाँ नंबर दिए मैंने कुछ। अब जैसे भी नंबर में आपको अगर देखने हो कि फॉर्मेट कैसे बनता है, जैसे दो डिजिट का 12 पॉइंट और मैंने कह दिया यूज 1000 सेपरेटर, तो इसका जो है कस्टम फॉर्मेट यहां बन के आ गया आपके सामने। मींस अब देखिए इन्होंने जीरो लगा रखा है यहाँ पे, कुछ जगह हैश लगा रखा है, कुछ जगह जीरो लगा रखा है। तो 0.00 क्यों लिया इसने, देखिए 00 जो हो गया लास्ट में 0.00, ये तो डिजिट्स के लिए हो गया कि जितने डिजिट तक आप रखना चाहते हैं, जीरो उसकी कमी पूर्ति करता रहेगा। दूसरा ये इसके आगे जीरो इसलिए लगाया कि मान लीजिए वैल्यू ही खाली 0.20 डली हुई है, ठीक है जी, पॉइंट कुछ डली हुई है, उसके आगे जीरो नहीं लिखा हुआ, तो ये यहाँ पे जीरो फिक्स कर देगा अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो। ओके, इसलिए दिया हुआ है कि कंपल्सरी लगाए ही लगाए चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अब इसके आगे जीरो की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर डालते मान लीजिए एक डिजिट का ही होता नंबर, तो फिर ये आगे जीरो से फिल कर देता, तो यहाँ पे हैश यूज हुआ है। अब इसमें सिंपल ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो जीरो होने चाहिए और डेसिमल की तीन डिजिट के बाद एक कॉमा का सेपरेटर हो जाना चाहिए, कॉमा आ जाना चाहिए, और देन हैश मतलब वहां कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है जी। आगे जो आ रही है उससे मतलब नहीं है, आगे जो आ रही है वो अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चूज करेगा जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा, पर जहां तक हमने दिया वहां तक उसने ले लिया कि 1000 का सेपरेटर ले ले। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, मान लीजिए मैंने ये दिया, मैंने इसमें क्या किया, एक सिंगल हैश डाला, यहां पे मैं थोड़ी नीचे वाली वैल्यू ले लेता हूं ताकि इसको काउंट करे, इसको हमें चेंजेस दिखा दे कि क्या क्या कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, पहले एक सिंगल हैश डाला, फिर मैंने कॉमा सेपरेटर लगाया, कॉमा सेपरेटर ने क्या किया, कॉमा सेपरेटर ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर गया कि 1000 काट दिया, डबल कॉमा लगाते ही मिलियंस में चला गया। अब फॉर्मेट क्या बना सकता हूं मैं यहाँ पे 0.00, तो ये डबल डिजिट के लिए चला गया, ठीक है जी। इसके बाद मैंने दो हैश डाले, ठीक है जी, एक कॉमा सेपरेटर डाल दिया, इसके आगे हैश कर दिया, तो यहाँ कॉमा चला गया। अब लाख का फॉर्मेट बना रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे फिर कॉमा डाला और यहाँ पे हैश डाल दिया, इसमें मेरा जो इंडियन नंबर फॉर्मेट है वो आ गया सर। हाँ, पहले क्या था,
पहले मैं कॉमा डाल रहा था तो डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा था, फिर मैंने कॉमा ये इसके आगे बैक स्लैश डाल दिया तो डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है। असल में प्रॉब्लम क्या थी, अब देखिए इसमें ये मुझे मिलियन पिलियन वाले फॉर्मेट में दिखा रहा है, मतलब ए सिंगल कॉमा का मतलब था कि कॉमा सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर जो कि सिस्टम का है वो तो वो मिलियन मिलियन या थाउजेंड में जहां भी लगाएगा वो तो प्री डिफाइंड था, पर जहां मैंने बैक स्लैश डाल दिया दैट मींस कि वो सिर्फ कॉमा पे ही ध्यान देगा, मतलब ये कॉमा अब सेपरेटर वो वाला नहीं रहा, ये दूसरा सेपरेटर बन गया, मतलब इसकी इसकी जगह मैं कुछ और स्टार भी देता तो स्टार ये इस जगह पे फिक्स करता, ठीक है जी, ये सिस्टम वाला कॉमा सेपरेटर नहीं रह गया, तो ये मेरा ये बन गया। स्लैश ही लेते हैं, ये स्लैश स्टैंडर्ड ही है या स्लैश की जगह कुछ और भी ले सकते हैं? नहीं स्टैंडर्ड है सर। ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड है आपका, तो यहां पे मैंने क्या करा था बैक स्लैश डाला था और अपने मन मुताबिक डिजिट्स दे दी थी कि मेरे को कैसे कैसे चाहिए। अब देखिए 12 में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसका, अब देखिए जब वैल्यू छोटी है तो इसमें ये आगे जाके करेगा क्या एग्जैक्टली जी, वो कॉमा मेरे क्योंकि अभी इसे ये नहीं पता कि सिस्टम क्या है तो ये फालतू अपनी मर्जी से लगाया जा रहा है। बट ये जो अभी हम कस्टम कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड सेल्स पे कर रहे हैं, तो उसमें ये सबसे पहला ही पकड़ेगा हमेशा। किसका? अभी ये जो जैसे 12 12 को ही ऊपर सैंपल एज ए सैंपल हाँ दिखा रहा है हाँ ना, सैंपल में एक हमेशा फर्स्ट फर्स्ट सेल हाँ पकड़ेगा वो हमेशा। एक्टिव सेल पकड़ेगा सर, फर्स्ट नहीं एक्टिव सेल, एक्टिव तो तीनों है आपके। नहीं एक्टिव तीनों नहीं है सर, अगर मैं इसमें कीबोर्ड से कुछ टाइप करूं तो किसमें एंट्री होगी? 5 में होगी ना, ये मतलब इसमें होगी ना 12 वाले पार्ट में, क्योंकि व्हाइट दिख रहा है आपको, अगर मैं नीचे से सिलेक्ट करता नीचे वाला पार्ट व्हाइट होता अच्छा, ओके ओके तो वो ओके होती ठीक है है ठीक हमारी एक्टिव सेल। अब है एक्टिव सर। देख ठीक ठीक है सर, अब ये आप कॉमा का समझ गए कि मेरे अलग से सेपरेटर थे, अब इसमें फिट करता हूँ कंडीशन, कंडीशनल इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, और कंडीशनल इवेल्युएशन के लिए हमारे लगते हैं डबल ब्रैकेट। ओके हाँ तो ये वाला फॉर्मेट इसे कब अप्लाई करना चाहिए? जब वैल्यू 1 लाख से बड़ी हो, ठीक है जी, ओके मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख छह हो, डिजिट टोटल 6 डिजिट होने चाहिए ऐसा ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो, ये मैंने डाल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख पे ये फॉर्मेट चलाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा फॉर्मेट चलाने के लिए यहां पे मैं डालूंगा सेमी कॉलन, अब मैं दूसरा पैटर्न दे दूंगा कि अब मान लीजिए वैल्यू जो है लाख से छोटी हो तो क्या करें, तो मैं ये आधा फॉर्मेट यहां से कॉपी करके यहां लगा लेता हूं, रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट ये चलेगा, ठीक है जी। बट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें भी एक कंडीशन आएगी, इसमें कंडीशन क्या आएगी कि वैल्यू जो है 1000 से बड़ी हो, इसमें आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पे ये वाला चला देगा, इसमें तो आ गई एरर, अब एरर यहाँ पे एक और सेमी कॉलन लगा देता हूँ, अब मैं इसे एक्चुअल फॉर्मेट दे देता हूँ, अगर 1000 से छोटी है तो क्या होना चाहिए, 0. नहीं हैश हैश 0.00, ठीक है जी, ओके कर दिया, पूरा का पूरा इंडियन फॉर्मेट सिस्टम चल गया ना सर। अगर मेरी वैल्यू 1000 है तो यहाँ पे सही वैल्यू दिखा रहा है, अगर मेरी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है
तब भी इसमें सही दिखा रहा है, ठीक एक है लाख चौबीस हजार 123, ठीक है। ना? ये मजेदार सिस्टम है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसको अभी रीड कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को? मोर देन और इक्वल टू 1 लाख, देन नेक्स्ट कैसे रीड करेंगे इसको? इसमें जो कंडीशन लगी है सर, सबसे पहले ये चलेगी कि यहां से यहाँ पे अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो ये वाला फॉर्मेट लग चालू हो जाएगा। फिर सेमी कॉलन पे क्या हुआ, ये फॉर्मेट सेपरेट हो गया, ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चलेगा। फिर मैंने दूसरी कंडीशन दी कि अगर वैल्यू 1000 इक्वल टू से बड़ी है, 1000 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, मतलब ये नहीं है, ये होता तो ये ही चल जाता डायरेक्ट, अगले पे जाता ही नहीं, ठीक है, पर ये नहीं चला तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा क्या इसके अंदर परसिस्ट कर रही है, तो वो ये वाला फॉर्मेट दे देगा। अगर इसके अंदर भी नहीं परसिस्ट कर रही है तो मेरा जो फाइनल जो है, मतलब दो कंडीशन अगर नहीं ट्रू होती है तो डेफिनेटली हर एक के लिए फिर यही अप्लाई होगा, तो ये मैंने यहां दे दिया। नहीं वो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूं जैसे अभी प्रैक्टिकली तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला का अगर रीड करता हूं, इफ द वैल्यू इज मोर ग्रेटर और देन, इक्वल टू 1 लाख, हाँ 1 लाख, देन देर शुड बी 1 कोमा आफ्टर फर्स्ट डिजिट एंड हाँ देन अनदर अनदर कोमा आफ्टर 2 डिजिट्स, लाइक दैट, ऐसा ना? यस ठीक है, यस एंड उसके बाद बाकी का रेस्ट ऑफ द वैल्यू आ गया, ठीक है। हाँ जी हाँ आप जी इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 1000, देन देर शुड बी कोमा आफ्टर 2 डिजिट्स, राइट? यस यस ओके, एंड कोमा आफ्टर 2 डिजिट्स, देन अगेन बाकी का जो रहेगा वो एज इट वो इज छुट्टा रहेगा, हाँ जी हाँ जी फिर देन ऐसा ही है? यस यस ऐसे ही है। फिर यहाँ से हमें कॉलन लगाया, और अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं पड़ रही है वैल्यू तो लास्ट में जाके ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ठीक सर? है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये चीज क्लियर है सर? इसको अगर आप चाहें तो 100 में भी कर सकते हैं, अगर अपने हिसाब से करना चाहें जैसा तो मर्जी वैसा 100 में कर भी हो सकते हैं, सकता है। अब ठीक जैसा है, ओके। बस चाहे। ओनली हैश, जहां जहां हम हैश हैश लगाएंगे और कोमा लगाएंगे, उसके बाद वो हैश हैश को 2 डिजिट पड़ेगा और कोमा को कोमा पड़ेगा, ऐसा ना? यस यस सर यस ऐसा ही ठीक है, है। ठीक है, तो ये ओके, तो हो गया इंडियन नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। भाई कई बार क्या ठीक है। होता है, हमें वैल्यू दिखानी होती है, जैसे हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वैल्यू ज्यादा है तो हमें ऐसा दिखाना होता है वैल्यू इन करोड़ या वैल्यू इन लाख, इस तरह से दिखाना होता है ना सर। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, वैल्यू इन करोड़ का देखते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं ना, हाँ 1 लाख में 7 जीरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा, सिंगल हैश लगाऊँगा, देन मैं इसमें 7 जीरो हो जाएंगे, 1 करोड़ में आपके 7 जीरो हो जाएंगे। हाँ जी एक लगाया मैंने कॉमा, नॉर्मल कॉमा लगाया है, तो इसमें सेपरेटर पोजीशन गेट कर ली कि बाकी की वैल्यू नहीं दिखा रहा है, बाकी की पहली जो 1000 से पहले की वैल्यू थी वो खा गया इधर, ठीक है जी। वैल्यू इन थाउजेंड के लिए ये फॉर्मेट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डबल कॉमा लगा देंगे एंड देन 0.00 नहीं 0.00 नहीं चलेगा, ऐसे कर देते हैं, तो ये मिलियंस पे चला गया, मिलियंस वाली वैल्यू दिखाने लगा, मिलियंस वाली वैल्यू दिखाने लगा। 0.00 के लिए क्या करेंगे, 0.00 ठीक है सर। ठीक बाद है, में मैंने कर दिया कि बाकी बची वैल्यू के लिए 0.00 दिखा दो, ठीक है, हैश कॉम हैश 0.00 ऐसा करता हूँ, हाँ 0.00 आएगा और डबल सेपरेशन आ जाएंगे इधर, ये अपने आप सही वैल्यू दिखाएगा, ठीक है सर? यही चाह रहे थे ना हम, ठीक वैल्यू है, इन करोड़ में, हाँ। या नहीं ये तो, ये तो कॉमा हमें से हमें बेसिकली नहीं, हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे अभी ये है 1,24,123,
राइट ना। एक्चुअली एक अगर ये ये 10 लाख का दिखा दिया, हाँ इसमें मिलियन वाला दिखा दिया, हाँ मिलियन वाला दिखा दिया इसमें, ये मिलियन बिलियन पे करता है क्योंकि सिस्टम वाले कॉमा उठा रहा है। अगर मुझे 1 लाख हाँ तो का, इसको अगर ये 0.01 होता तब सही होता करोड़ में, मीन्स 0.012 करोड़ होगा वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरे ख्याल से सिस्टम फॉर्मेट है, वो इसीलिए यूज होता है इसमें। मेरे ख्याल से ओके लाख वाला सिस्टम चलेगा नहीं, लाख और करोड़ वाला। ठीक ठीक है है सर, तो ये कॉमर्स ऑपरेटर का यूज ये होता है। अब चलते हैं सर टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये तो था कि हम ओके ठीक नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट के है साथ क्या कर सकते हैं। आपको पता है मैंने एक REPT फंक्शन दिखाया था, रिपीट वाला, हाँ, रिपीट वाला दिखाया था एक बार। उसमें वो रिपीट करता है ना। इसी तरह से मान लीजिए हमें एक फॉर्म बनाना है, नेम की एंट्री करनी है, तो हम इस तरह से नीचे लाइन दे देते हैं। जैसे ये लाइन दे रहे हैं ना, तो काफी सारे वो दे दे रहे हैं, अंडरस्कोर दे दिया हमने। और इसमें क्या करते हैं कि कॉलम बड़ा छोटा होता है तो यहीं रह जाता है। उसके लिए या तो करते हैं नीचे वाले को कलर, कि नीचे वाले को कलर दे दिया, नीचे वाले एक लाइन को कलर दे दिया, और अदरवाइज क्या कर सकते हैं, इसमें से अंडरस्कोर हटा देता हूँ और इसके कस्टम फॉर्मेट में जाके कर दूंगा। देखिए एट द रेट का यूज होता है आपके टेक्स्ट के वैल्यू के लिए। अगर यहाँ एट द रेट करेंगे तो ये टेक्स्ट वैल्यू है, फिर ठीक है स्टार होता है रिपीट करने के लिए, और स्टार के बाद जो भी दे देंगे हम वो रिपीट हो जाएगा कॉलम विड्थ तक। ठीक है जी, तो कॉलम चाहे बड़ा हो छोटा हो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है सर, मान लीजिए देखिए आपको इसमें ना एट द रेट रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट की वैल्यू को। अगर मैं डबल एट द रेट लगाता हूँ तो 2 बार वही वैल्यू आ जाती है, ट्रिपल एट द रेट लगाता हूँ तो 3 बार वही वैल्यू आ जाती सही है। है। तो हाँ, टेक्स्ट में इसका ज्यादा यूज नहीं है, पर ये स्टार के साथ हम यूज कर सकते हैं। स्टार के साथ मेरे को वापस स्टार देना हो, एक बार देखो स्टार के साथ अगर मैंने स्टार दे दिया तो क्या करता है, इसने स्टार को रिपीट कर दिया। कोई भी कैरेक्टर हम रिपीट करवा सकते हैं कॉलम विड्थ तक। अच्छा, कॉलम विड्थ तक जितने भी नंबर ऑफ स्टार्स होंगे, जितने करेक्टर्स अलाउ करेगा उस रो में, वो सारे स्टार ले लेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। स्टार के बाद मैंने स्टार ही रिप्लेस करवा दिया, मतलब ओके रिपीट करवा दिया। तो बेसिकली ये आपका ये टेक्स्ट के लिए यूज हो गया। दूसरी चीज मान लीजिए हमें, मैं इसमें डाल रहा हूँ संदीप, प्रदीप, कोई भी नेम्स डाल रहा हूँ, इनके आगे मुझे मिस्टर लगाना है, इन सब के आगे, या नीचे भी ले लेते हैं कि जहां डालें वहां मिस्टर आ जाए अपने आप। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, मिस्टर डॉट देन स्पेस भी मैंने यही दे दिया क्योंकि स्पेस अलग से लेगा नहीं है, देन एट द रेट, एट द रेट कर दिया तो ये सब में ये दिखाने लगा, मिस्टर लग गया। जैसे ही कुछ भी डालूंगा वो मिस्टर लगा देगा। ठीक है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टी नेम डालना है तो मैसर्स बार बार लगाना पड़ रहा है, वहां यूज कर सकते हैं। और मान एग्जैक्टली लीजिए इसके बाद मुझे कुमार लगाना है सबके आगे, तो एट द रेट के बाद मैं क्या करता हूँ, कुमार दे देता हूँ। ठीक है जी, इसमें भी स्पेस पहले दे दूंगा तो ये हर एक के आगे कुमार भी लगा देगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट के लिए इस तरह से यूज होता है। ये ओके एक मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, जैसे अब हमारे जगह एक प्रॉब्लम थी कि इन आउट का डेटा डालना था एक बंदे ने। अब इन आउट गेट में मतलब टाइम डालना था, इन टाइम और आउट टाइम। अब ठीक है
कोई भी टाइम डालते हैं तो उसके बीच में ये सेमी कॉलन लगता है बार बार, मतलब ये लगता है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि टाइपिंग तो वैसे हो जाए नंबर की पैड से, पर ये कॉलन लगाने का टाइम हमें हमेशा ज्यादा लग रहा था, ओके और खाली प्रिंटेबल चाहिए था उसे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मेट सेट करके दिया उसे। मान लीजिए यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ मैं। अब मैंने क्या, कौन सा फॉर्मेट बना के दिया, मैंने कहा 00 इन्वर्टेड कॉमाज में मैंने कॉलन ले लिया और देन डाल दिया 00। ठीक है जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे 10:20 डालना है तो 10:20, 9:20, 920, तो अल्टीमेटली उसे कॉलम नहीं लगाने पड़ रहे थे, ये अपने आप ले रहा था तो825। इजी एंट्री भी फास्ट हो जाती होगी। ठीक हाँ, है, तो ये एंट्री बहुत फास्ट हो गई, मतलब सारा टाइम ही कॉलर लगाने में लग रहा था। हमारे यहाँ अटेंडेंस बनाता था तो मैंने ये सिस्टम उसको दे दिया, ये कोड बना गुड, के बस। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी डेली यूसेज में ऐसी काफी सारी चीजें यूज हो रही होंगी जिसको आप कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, टाइम सेव हो जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरा, अब जब मैंने इतना सब आपको बताया, अब ये याद कैसे रहे। देखिए, जो हम चीजें बताते हैं वो रेफरेंसेस आपके पास ही होते हैं हमेशा। आप F1 प्रेस करें, जो भी हम बताते हैं वो इसमें जरूर होता है। ओके। तो यहाँ पे डाल दीजिए कस्टम फॉर्मेट, क्रिएट और डिलीट अ कस्टम नंबर फॉर्मेट। एक्सेल हेल्प में डालेंगे तो आपके सामने पूरी ये आ जाएगी। इसमें हर एक साइन का मतलब है। ये वो करेक्टर्स हैं जिनको आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी। देन जीरो का क्या यूज होता है, हैश का क्या यूज होता है, एक कॉलन का यूज मैं दिखाता हूँ। कॉलन का, ये क्वेश्चन मार्क का आपने यूज नहीं देखा क्वेश्चन होगा। मार्क? हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, एक तो ये बेसिकली जो होता है आपका डॉट की अलाइनमेंट के लिए होता है। अब देखेंगे यहाँ पे डॉट जो है, जो इसमें डेसिमल है, वो अलग अलग पोजीशन पे है। अगर मैं इसको करके कस्टम फॉर्मेट में, यहाँ पे ये भी डिजिट का ही प्लेस होल्डर है, मैंने क्या किया, 3 बार क्वेश्चन मार्क दे दिया, देन डॉट दिया, देन 3 बार और क्वेश्चन मार्क दे दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मेरी 3 डिजिट आगे होंगी, 3 डिजिट डॉट के बाद होंगे। तो ये क्या करेगा, डॉट को अलाइन कर देगा। इसने यहाँ 3 डिजिट का स्पेस कर दिया, यहाँ 3 डिजिट का स्पेस कर दिया। सिर्फ स्पेस के बारे में है ये। बट ये इसमें अभी इसने 3 डिजिट कौन से फिक्स किए हैं, पीछे वाले, आगे वाले, या क्या किया उसने? उसने क्या किया, आपके लिए स्पेस बना दिया 3 डिजिट का, एक इक्वल। उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर अब तीन, इसमें तो 3 डिजिट। मान लीजिए यहाँ 3 डिजिट नहीं है पर एक स्पेस छोड़ दिया ना उसने यहाँ पे, बट वो हमें तो दिखेगा नहीं, हमें तो एज इट इज ये दिखेगा कि भाई यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं और 2 नंबर हैं, हाँ राइट? बट ये इसमें से कोई एक एक हम स्टैंडर्ड चीज निकल के हम नहीं बोल सकते, अगर ये हम देखें तो F कॉलम, राइट ना? तो हाँ, इसका यूज ही इसका कहीं यूज नहीं, कहाँ होता है? यूज कहीं नहीं होता सर इसका, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा अच्छा, भी होता ओके, ठीक है, है। ठीक है, यहाँ ठीक पे है। क्या है कि डॉट्स अलग अलग है, यहाँ पे क्या है कि इसने डॉट को अलाइन कर दिया है बस। डॉट एक एक, मतलब अगर सीधी लाइन खींचे तो डॉट एक ही लाइन में मिल जाएगा। ओके 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 ओके, समझ गया, समझ गया। ठीक, ठीक है। 3 3 डिजिट का ओके। स्पेस यहाँ ले लिया और 3 डिजिट यहाँ के अलाइन करके चल रहा है, आगे की भी पीछे समझ गया, की। डेसिमल को कॉमन रखा है उसने। हाँ,
दूसरा आपका यूज होता है ये फ्रैक्शनल नंबर्स में, जैसे 1.5 है तो इसको क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शंस, 1/2 करके दिखा रहा है ना, तो इसका कस्टम फॉर्मेट क्या हो जाता है, हैश ओके स्पेस क्वेश्चन मार्क बटे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको हटा दूं, आप क्या दिखा रहे हैं, 3/2, ठीक ओके 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 है जी। तो सिंपल सा ये दो तरह से यूज कर सकते हैं इसको, ओके ठीक है जी। हैश की बजाय अब क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क की जगह अगर मैं नंबर बाय नंबर करूं तो भी सही रहेगा, है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर का साइन देता हूं डिवाइडेड बाय नंबर तो भी ऐसा ही दिखाई देगा। क्वेश्चन डिवाइड बाय नंबर, मार्क की जगह अगर मैं नंबर डिवाइडेड नंबर बटा नंबर लेता हूं तो अगर आप नंबर बटा नंबर लेते हैं जैसे 6/7, भी 3/2 दिखाएगा। नहीं दिखाएगा सर, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं नंबर मार्क, बाय नंबर नहीं, नंबर का साइन मैं बोल रहा हूं। अच्छा हैश या वो क्या हैश बोलते हैश हैश बाय हैश लेना अभी, हैं। अब देखिए पहला हैश मैंने यहाँ दे दिया, देन फिर स्पेस बाय लगा हैश के अगेन। दूसरा स्पेस हैश एंड ये, नहीं खाली हैश बटा हैश, फिर 3/2 ही लेगा ना। हाँ ये इसमें भी सही दे रहा है, इसमें भी हाँ यही ठीक है लेगा। ओके 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 तो ठीक है सर बेसिकली ये अलाइंड इसके लिए ही होता है, ओके 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 ठीक है। ठीक है। डिजिट पोजीशंस अलाइन करने के लिए देखिए, अब आपको डेसिमल का यूज जो है वो डेसिमल के लिए प्लेस होल्डर है, ठीक है जी। अब ऐसा दिखाना है इस वैल्यू को, तो कौन सा कोड लगेगा, ये रहा 59 था, ठीक अब इस वैल्यू को 6 दिखाना है तो ओके डेसिमल के बाद एक ही फिगर ले लेगा वो हाँ और जी, उसको वो कर देगा, राउंड अबाउट कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो यहाँ पे आपके ना कुछ कोड्स दिए हुए हैं, जैसे आपको 0., जैसे 0.631 की बात कर रहा था मैं, अब 0.6 की तरह दिखा रहे हैं, तो 0 आगे लगा दिया इसने पॉइंट से, ठीक है जी। ये समझ गया। तो यहाँ पे अलाइन डेसिमल्स के लिए भी सेम यही वाला कोड है, फ्रैक्शनल्स ओके के ओके लिए भी अलाइन फ्रैक्शनल्स, या वैसे हाँ अलाइन फ्रैक्शनल्स के लिए था क्वेश्चन मार्क, अलाइनमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है हर बार ये, ठीक ओके है जी। हेलो 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 हाँ सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो ठीक मैंने है कॉमा सेपरेटर बताया था, जैसे 12,000 को 12,000 मतलब 3 0 दिखाना है तो ये कोड लगेगा, 12,000 को सिंपल 12 दिखाना है तो ये कोड लगेगा, ये बताया था। और जैसे ये 1 करोड़ जो भी मैं बताना चाह रहा था मिलियन को, तो 12.2 यहाँ दिखा रहे हैं, 0.0 लग जाएंगे, ठीक है सर। हेलो हाँ जी, अबे उठाया था तुम बोले ही नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ यार अभी भी, हाँ लंबी क्लास है चलेगी है। अरे यार क्लास दे रहा हूँ, रशिया की क्लास है मेरी, अभी चलेगी कम से कम भी 5 बजे तक चलेगी। फिर रात को 8 से 12 फिर चलेगी। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, लाइट हाँ लाइट चली गई थी या फिर मॉडम अच्छा इंजन। अच्छा अच्छा ओके 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 तो इसमें दूसरी चीज, आप जो हम देख रहे थे, आप सर रेड और ब्लू जैसे ना, ये कुछ कलर हैं, इन कलर्स को भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग में। कंडीशंस जो थी हमने ऐसे दी थी, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है इसके अंदर। इसके थ्रू ये कोड उठाते हैं, ये वही चीज डिस्प्ले कर रहा है। जो कलर देंगे हम बड़े ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, कुछ जो है 100 से छोटी हैं, कुछ 100 से बड़ी हैं, ठीक है जी। इनके लिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। मतलब जो वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो रेड दिखाएगा, और 100 से बड़ी के लिए ब्लू दिखाएगा, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर, कोई भी कलर आप उसमें से हाँ चूज बढ़िया कर सकते हैं। तो एज ए कंडीशनल हाँ बढ़िया बढ़िया। फॉर्मेटिंग भी काम करता है, और ये कलर्स हैं सारे अब इसमें कलर फॉर्मूला उसमें जो एक्चुअली फॉर्मूला अभी जो हमने यहां से लिया है में। हाँ ये रेड, ये फॉर्मूला हमने अभी नहीं पढ़ा ना टेक्स्ट में। जी, टेक्स्ट में हमने ये बेसिकली कंडीशंस के लिए ही है, जिसके लिए मैंने इंडियन नंबर फॉर्मेट आपको लगा के दिखाया था ना, तो बेसिकली उसी तरीके उसी के लिए ही है कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं। कंडीशंस मैंने ज्यादा क्लियर ठीक किए है हैं, इसमें उल्टी ठीक सीधी हैं, है ठीक ठीक है है सर। ओके। देन बाकी और कुछ, ये तो वैसे ही है कि कोड की ये ऐसे कोड डाल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ देखिए, जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बताई थी मंथ की, डेट की और ईयर की, ठीक है जी। यहाँ पे हाँ ये तो किसको कैसे दिखाना है, अगर ऐसे दिखाना है मंथ में तो MM, DDD, ये सारा वैसे ही है। इसी तरह से ये टाइम का है, HH करके, AMPM में क्या कर सकते हैं, AMPM कैपिटल में, स्मॉल में, और AP खाली, ठीक है जी। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका पूरा कस्टम फॉर्मेटिंग है। एक चीज और दिखा देता हूँ, कई बार हम यूज करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कुछ नंबर डालते हैं और ये साइन आ जाता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या होता है, 12 डिजिट से ऊपर कंप्यूटर एक्सेल जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि है तो कम कैलकुलेटर का ही भाई है भी, तो वही नहीं एग्जैक्टली एक्सेप्ट करता, तो कैसे। तो टेक्स्ट फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप एक बार हैश डाल दें, कस्टम फॉर्मेटिंग में एक बार हैश डाल दें, ये सारी डिजिट आपको दिखा देगा, ओके ठीक है सर। पर ये डिजिट फिर ठीक भी है कैलकुलेशन नहीं कर सकता, हम चाहें कि कैलकुलेट कर ले तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है जी, क्योंकि लिमिट्स होती हैं इसकी। तो इसको ये ऐड नहीं करेगा। अगर ऐसा सेम नंबर दूसरा ले तो इसमें एडिशन करके नहीं दिखाएगा। मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ही ऐड करना चाहता हूँ, नहीं किया ना, नहीं किया। क्योंकि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ हम लोग नहीं करते हैं कभी भी ओके हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, करोड़ से ऊपर ही बड़ी मुश्किल करते हैं, तो बाकी तो छोड़ो वो भी हो जाएगा यार। तुम्हारा 5 साल का हाँ टारगेट तुमने रखा नहीं हुआ मोटिवेशनल स्पीकर का, उसमें हाँ उसमें ये डिजिट पक्का आएगा, डोंट वरी। इसके लिए तो पता नहीं कितना डिजिट है, क्या लगा दिया मैं खुद भी जान से नहीं जान, ठीक है सर। तो ये था मेरा पूरा कस्टम फॉर्मेट के लिए। आगे मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा दूं अभी, हाँ अगर कंडीशन करा दो चलो। कि ब्रेक लेना चाहेंगे थोड़ी देर का। नहीं मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, आपको लेना है चाय पानी पी लो। आप घर से ही करते हैं काम? हाँ मैं तो घर से ही करता हूँ सर।
फिर तो बढ़िया, फिर अपना चाय अपना बोलो, घर वालों को चाय पीते रहो, करते रहो। आपको ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सर। आपके ऊपर है, मेरे को ठीक हाँ है चलेगा। ठीक है सर, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक ओके ओके, चलो ठीक। है सर। हालांकि मैं तो वैसे ही अभी तो मैं घूमना फिरना अब स्टार्ट करूंगा, अभी तक तो मैंने कहीं किया नहीं है, अच्छा, अब तक तो मैं बस अपने आप को तैयार करने में रहा था। अभी तो मैंने बिल्कुल मतलब अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी वैसे भी नहीं दी है, पर अब स्टार्टिंग है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की मेरी। हम अभी तक तो मैंने हाँ। ऑनलाइन कॉर्पोरेट ऑनलाइन दी है कॉर्पोरेट सर। ट्रेनिंग आप अच्छा कर सकते हैं, गुड। कॉर्पोरेट का अच्छा बिजनेस भी है इन द सेंस, और एक आपको विजिबिलिटी भी मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, पर इंडिया में सर ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का ना इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का लोग मतलब नहीं जानते, वो एक ही बार में सारा कंप्लीट करने की सोचते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। कर तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, पर जो ट्रेनिंग की जो मेथोडोलॉजी कहती है कि एक बार में ऐसा नहीं सीखा जा सकता, कोई इतने बड़े एक्सपर्ट होते सब लोग तो वो मतलब एक ही दिन में सीखने वाले तो पहले ही सीख गए होते। ये नहीं यार, अगर ढंग से सीखना है तो कम से कम 3 महीना चाहिए आपको, तमीज से सीखना है तो। हाँ जी, हाँ जी, पर ट्रेंड है, चलता है तो चलते हैं, चलने देते हैं हमें क्या। चलिए फिर सर, उससे पहले करते हैं फिल्टर एंड सॉर्टिंग। ठीक है। फिल्टर एंड सॉर्टिंग के अंदर थोड़ा सा डेटा बना लेता हूँ मैं। सिटी डाल दूं पहले, सिटी सेल्स। तो इसमें मैं डेटा बना देता हूँ अपना, एक ये डेटा है जिसमें डे वाइज सेल्स का के कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जब भी आपको करनी होती है, आप डायरेक्टली यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे कर्सर रखेंगे, और यहाँ होम के अंदर हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर है। सो सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये फर्स्ट कॉलम के बेस पे सॉर्ट कर देगा, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो ये फर्स्ट कॉलम के बेस पे सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है इसलिए गड़बड़ दिखा रहा था, ये फॉर्मूला उल्टा सीधा हो गया, अब सही कर दिया मैंने। तो फर्स्ट कॉलम के जिस पे कर्सर रखा होगा उसको ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी। ठीक है। अब बात आती है कि सारे में एक कस्टम सॉर्ट होता है, तो इसको क्या करते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर देते हैं हम डेटा, देन कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं। अब कस्टम सॉर्ट के अंदर पहली चीज तो आपकी सारी हेडिंग यहाँ आ जाएंगी, जितने हेडिंग यहाँ होंगे। अगर बाय चांस नहीं आती है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं माई डेटा हैज हेडर्स, अगर नहीं होगा तो ये आपको कॉलम एबीसी दिखाएगा, पर होगा तो यहाँ पे हेडिंग्स दिखाएगा। अब सॉर्टिंग किस किस बेस पे हो सकती है, हर एक के लिए इसमें अलग ऑप्शन होता है। डेट के लिए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है, ये तो नॉर्मल है। अब क्या करते हैं, पहले करते हैं सिटी वाइज। तो सिटी मैंने कर ली ए टू जेड में सॉर्ट, सॉर्ट ऑन वैल्यू ही, ठीक है जी, सिटी इसके बाद सॉर्ट कर दी। देन उसके बाद मैंने क्या किया, पर्सन को पहले पहले जो है सिटी वाइज सॉर्ट होगा,
देन पर्सन का नाम सॉर्ट होगा, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो पहले सिटी सॉर्ट हो गई, उसके बाद इसमें जैसे ठीक है। क्या चीज ए सर, टू जेड मीन्स ए टू अल्फाबेटिक, जेड ही फॉर्मूले में क्या दिखा रहा है? ओके ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये अच्छा ए वाली सिटीज पहले आ गई, ठीक है जी। उसी के अंदर इसमें जैसे आगरा में जितने बंदे थे, इसने ले लिया हरीश और सुरेश, दो बंदों की सेल थी, तो ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले लिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसने ली, इसकी आगरा लिया, देन बाय इसमें आ गया, ठीक है जी, यहाँ कर लिया, ठीक फिर है। डी पे आया, फिर यहाँ से शुरू हुआ ये। तो ऐसे ये सेगमेंट बनाता चला जाता, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरह से आपकी सॉर्ट करता चला जाएगा ट्री वाइज टाइप में। ठीक है। अब सॉर्ट किस किस पे होता है, आप चाहें तो इनका ऑर्डर बदल सकते हैं। इसको हम अगर यहां से प्रेस कर देंगे मूव अप पे, तो प्रायोरिटी हो जाएगी नेम की। तो नेम पहले सॉर्ट होगा, नेम अल्फाबेटिक में होगा, जैसे बानी के अंडर में गाजियाबाद, नोएडा, सारी चीजें। पहले क्या आ रहा था कि एक सिटी में कितने हैं, अब आ रहा है कि एक, मतलब एक बंदा कितनी सिटी में एक्टिव है, इस तरह से दिखा रहा है। तो इसमें आप बेसिकली अप टू 64 लेवल्स तक सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब 64 कॉलम चूज कर सकते हैं इसमें कॉलम सॉर्टिंग। चूज कर सकते हैं, बट इतना जरूरत पड़ता होगा क्या? इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता होगा? नहीं, ये मैक्स अप टू है, मैक्सिमम इतना होता है, मिनिमम तो ओके आप सिंगल पे भी कर सकते हैं। जैसे कोई लेवल डिलीट करना है तो डिलीट लेवल, ऐड करना है तो ऐड लेवल क्लिक कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात, जो सॉर्ट होती है, बेसिकली हमारी वैल्यूज जो सॉर्ट होती हैं वो होता है वैल्यू के बेस पे, सेल कलर के बेस पे, फॉन्ट कलर के बेस पे और सेल आइकॉन के बेस पे। तो सपोज हमने कुछ ऑडिट किया और डेटा में हमने कर दिया कि ये मान लीजिए इसको अलग से है, यहां सेलेक्ट कर दिया, इसको येलो से कर दिया, देन फिर इसको कर दिया, तो कुछ हमने येलो से मार्क कर दिया, मान लीजिए कुछ डेटा गलत है या कुछ भी। तो अब हमें क्या करना है, सेल्स के कॉलम में सेल कलर के बेस पे, अब कलर जितने भी अवेलेबल होंगे वो आपको यहां दिखा देगा, यहां दिखा दिए, और आपको टॉप में रखना है उसको, बॉटम में रखना है, सबसे नीचे लगाना है कि सबसे ऊपर लगाना है, मैंने कहा सबसे ऊपर लगाना है। तो ये इसने छांट के अलग कर दिए या सॉर्ट कर दिए, ठीक है। कलर के बेस पे सॉर्टिंग हो गई। दूसरी इसी तरह से हम, मतलब एक तो सेल कलर, एक हो गया फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के बेस पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं। एड लेवल में मैं सेकंड लगा रहा हूँ, अगेन सेल्स, मैं एक ही चीज दो बार ले सकता हूँ, तो एक सेल कलर पे लगाया मैंने, एक फॉन्ट पे लगाया। अब फॉन्ट में रेड वाला ऑन टॉप ही करा मैंने, तो प्रायोरिटी इसकी है पहले येलो वाले की, तो येलो वाला पहले आएगा, देन उसके ये आ गया रेड रेड वाला वाला, आएगा। ठीक है। ठीक है जी। तो एक था सेल कलर, एक था फॉन्ट कलर। अगले के लिए क्या करेंगे, इसको मैं पहले जैसा कर देता हूं, अब मान लीजिए सेल आइकॉन्स एक चीज है, उसमें सेल आइकॉन्स, सेल आइकॉन्स क्या होते हैं, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से सेल आइकॉन लगा देता हूँ आपको सेल, ये इसको मैं अभी बताऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब बताऊंगा तब बताऊंगा कि आइकॉन कैसे यूज करते हैं, पर बेसिकली ये भी होते हैं। तो सेल आइकॉन के बेस पे हम सॉर्ट कर सकते हैं एक चीज। तो क्या करेंगे, सेल्स में जैसे हम यहाँ से सेल आइकॉन चूज कर लेंगे, तो यहां से दिखा दिया इसने, ये हमारे पास आइकॉन्स आ गए, मैंने कहा राइट वाले टॉप में रखने हैं, देन उसके बाद मैंने चूज कर लिया सेल्स में सेल आइकॉन, मैंने कहा राइट वाले के बाद एक्सक्लामेशन वाले रखने हैं टॉप पे, तीसरा वाला अपने आप हो जाएगा, तीन ही, तो राइट वाले पहले आ गए, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाले आ गए और देन क्रॉस वाले आ गए, ठीक है, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हटा देते, तो सॉर्टिंग ये बेसिकली इस तरह से होता है। पर सपोज
इसके आगे मैं ले लेता हूं मंथ। अब मान लीजिए इस डेट में से मुझे मंथ लेना हो, तो जो मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में बताया था और अपने डेट टाइम फॉर्मूला मैंने करवा दिया सर, नहीं कराया? नहीं तो जो भी आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जो कोड लगाते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब वो होता है कि विजिबिलिटी के लिए होता है, पर यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो मैं जो कोड है सेल रेफरेंस के बाद, वो कोड मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे मंथ चाहिए, तो मंथ के लिए क्या लगाऊंगा, 3 बार M इन्वर्टेड कॉमास में मुझे वो कोड देना है। तो ये मुझे मंथ निकाल के दे दिया इसने। ठीक है। अब मंथ निकाल के दे दिया इसने, अब मुझे क्या करना है, मंथ सॉर्ट करने, मान लीजिए मंथ सॉर्ट करने, मैंने क्या किया, मंथ सिलेक्ट किया, A to Z या Z to A करता हूं। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, मंथ जबकि मुझे चाहिए जनवरी फरवरी करके, और ये मुझे दिखा रहा है अप्रैल से फर्स्ट। बट ए से दिया ना आपने, अल्फाबेट में ही ले लिया ना उसने, राइट? हाँ, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, जब मुझे जनवरी फरवरी ऐसे सॉर्टिंग करनी है, इसके लिए ऑप्शन ऑर्डर में है। क्या है ऑप्शन? इसके लिए आप जाइए, यहाँ कस्टम लिस्ट है, ओके। तो मतलब जो आप कस्टम लिस्ट बनाते हैं ना उसके हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको डेजिग्नेशन का भी सॉर्ट करनी है, तो ये चीज कंप्यूटर को पता नहीं है कि कौन सी बड़ी है डेजिग्नेशन, कौन सी छोटी है, तो आप लिस्ट में उस तरह से दे दीजिए। तो इसी तरह से ओके जनवरी ओके ओके, फरवरी की पहले से ही लिस्ट है, मैंने ओके किया। गुड। ओके किया तो अब ये मेरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारा आ गया। बट ये कस्टम लिस्ट में होना जरूरी है ना? हाँ जी, कस्टम ठीक लिस्ट में है, होना जरूरी है, तो मतलब आप अब जो है कुछ भी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम एग्जैक्टली। लिस्ट इसका एडवांस पार्ट है जिसमें इसके बाकी जो गैप्स थे वो फिल करती है। बट एटलीस्ट जो चीजें स्टैंडर्ड हैं, लाइक मंथ, लाइक ईयर, लाइक डेज, डेट्स, उसको अपने को फिर कस्टम फॉर्मेट में क्यों डालने का? बाकी चीजें चलो ठीक है, हमें मालूम नहीं बानी, हरीश या महेश कौन सी पोजीशन पे है, चलो वो हम उसको कस्टम लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी ये जो स्टैंडर्ड है ये भी अपने को डालने पड़ेंगे? जनवरी के बाद फरवरी आएगा, वो भी अपने को कस्टम लिस्ट से ही चूज करेगा? देखिए इन दोनों में फर्क है सर, ये खाली टेक्स्ट वैल्यू है, हाँ, ओके। यहाँ पे क्या है, ये डेट फॉर्मेट है। तो डेट फॉर्मेट आपको पता है बैकग्राउंड में नंबर में ही चलता है, वो 1 2 3 4, तो वहां से तो सही सॉर्टिंग करेगा। पर जब बात होती है ये मंथ की, तो ये इस तरह से जब मैंने निकाला है टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू, तो ये एज ए टेक्स्ट डील कर रहा है। ये जैन पढ़ रहा है जस, ये जनवरी नहीं पढ़ रहा है, ये जैन पढ़ रहा है। हाँ, JAN कुछ भी हो हाँ सकता है। हाँ वो जनवरी भी नहीं पढ़ेगा, बेसिकली ठीक मैं है, ठीक है। उसको उसके लिए चाहिए, ये हमारे को यहाँ से चाहिए डेट फॉर्मेट। बट जब तक ये डेट फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक हमें ऐसे ही प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब टेक्स्ट होगा तो हमें ठीक। कस्टम लिस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये सॉर्टिंग है आपकी पूरी पूरी। अब चलते हैं फिल्टर पे। फिल्टर में क्या होता है कि सॉर्टिंग तो आपके सॉर्टिंग के लिए हो गई, फिल्टर में आप वही डेटा आप जैसे कॉपी पेस्ट मारते हैं या जो भी दिखाते हैं फिल्टर में, फिल्टर में एक चीज होती है, फिल्टर और सॉर्टिंग करने से पहले मान लीजिए यहाँ पे एक गैप है, लाइन गैप है। तो कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पे अगर फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर का शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ठीक है। इसमें क्या है कि जब मैंने ले लिया, अब मैं देख रहा हूं फिल्टर में, तो ये मेरे पास 3 ही सिटी दिखा रहा है। मतलब जब आप बगैर सिलेक्ट करे फिल्टर लगाएंगे तो लाइन ब्रेक आते ही ये डेटा खाली फिल्टर में यहीं तक वर्क करेगा, ओके, लाइन वो उसको फिर ब्रेक। लिमिट पकड़ लेता है, भाई इसके बाद कुछ नहीं है, उतना ही लेता है फिर वो। हाँ जी हाँ जी, या तो बस खाली मतलब एक ही चीज पे कनेक्ट हो जाए, जैसे जैसे यहां कनेक्ट हो गया अब पूरा ले लेगा। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए पूरा अपने आप ले गया ना, मतलब एक भी कॉलम, अगर एक भी रो में एक भी सेल
हाँ जी, वो कनेक्शन होना चाहिए पूरे डेटा में, बीच में फुल रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है संदीप। पर मान लीजिए कभी आपके पास रहता ही है ऐसा, आपके पास 50 रो आ गई मान लीजिए अब ब्लैंक की, अब क्या करेंगे? अब आपको एक एक जाके डिलीट करनी पड़ेगी, है कि नहीं सर? दोबारा से बोलिए संदीप। मान लीजिए ये आपके पास गैप्स थोड़े से ज्यादा हो गए हैं शीट हाँ में, एक से ज्यादा है मान। डेटा ज्यादा है, अब गैप्स ज्यादा हो गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो एक एक गैप को डिलीट करें, एक एक गैप को डिलीट करें। तो अब एक एक गैप को डिलीट करना भी अपने आप में सिरदर्दी का काम है। यही चीज सॉर्टिंग के साथ भी अप्लाई होती है, अगर सॉर्टिंग करेंगे विदाउट सिलेक्शन के तो आपको उतना ही पकड़ेगा जहां तक ये फुल मानेगा अपने आप को कंप्लीट। ओके ठीक है जी, इसका क्या सोल्यूशन है आप? इसको हम क्या सॉर्ट नहीं कर सकते। मान लो अगर हमने इसको मान ये लीजिए पूरी एक्टिव एक्टिव शीट सिलेक्ट करके और उसको सॉर्ट करें, स्पेस अलग और बाकी अलग, ऐसा नहीं आएगा उसमें ऑप्शन? आप देखिए सॉर्ट करते हैं हम, तो सिर्फ यहीं यहीं सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है, एक डेटा की रेंज तक बस इतना ही, गैप पे ये भी छोड़ देता है। तो आपको ये सब सॉर्टिंग या फिल्टर परफॉर्म करना है अगर गैप भी हो उसमें, तो कैसे करेंगे? आपको उस टाइम फुल डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डेटा एग्जैक्टली यहां तक है। जब आपने अब ठीक है। फिल्टर लगाया तो इसके अंदर आपके आ गए सारी वैल्यूज आ गई, तो अब सॉल्यूशन क्या है? यहां से ऑल हटा दें और नीचे से ब्लैंक पकड़ लें, ब्लैंक ओके कर दें। यहां पे मेरे को ब्लैंक रो दिख गई, अब इन दोनों को मैंने ठीक है। सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। पर डिलीशन से पहले एक चीज का ध्यान दें, कई बार वो क्या होता है कि जैसे 8 से 18 है, बीच में जो हमारा 9 से 17 तक की रो है कई बार वो भी डिलीट हो जाती है, तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन बरतना है? आगे से कब भी ऐसा आप फिल्टर में डिलीट करें तो फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल है, गो टू स्पेशल पे जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। विजिबल सेल्स ओनली का मतलब है जो सेल हमें दिख रही है खाली उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद हम ये ऑप्शन परफॉर्म करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे। तो क्या है कि हम श्योर करते हैं कि खाली जो विजिबल सेल है वही डिलीट हुई है, उसके बैकग्राउंड की कुछ नहीं है। तो आपके पास ये सारा डाटा अब आ गया फ्लो में। नहीं अगर अगर एक एक नहीं मैं कह रहा हूं, एक बार अभी मान लो स्पेसेस हैं, रैंडम प्लेसेस पे स्पेसेस हैं मान लो, ठीक है ना। हाँ जी आपने उसको सॉर्ट किया और सॉर्ट के बाद आपके ब्लैंक्स आपने सिलेक्ट कर लिया, हाँ अब जी वो टॉप में तो ऑलरेडी ब्लैंक आ गए ना, फिर उसको डायरेक्ट डिलीट करने में क्या दिक्कत है? वो तो ब्लैंक ही है ऊपर के, नहीं, वो सॉर्ट होगा ही नहीं ना उसको सर, उसको सॉर्ट होगा ही नहीं। अगर इसमें गैप है ना सर, अगर यहाँ गैप है और मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, यहाँ सॉर्टिंग कर रहा हूं मान लीजिए डेट से, तो क्या होता है? ये देखिए डेटा ही इतना सिलेक्ट कर रहा है। नहीं, वो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं आपने शीट सेलेक्ट कर ली पूरी, ठीक है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूं। हाँ शीट आपने सेलेक्ट कर ली, फिर आपने उसको सॉर्टिंग लगाया, तो आपके जो ब्लैंक्स है सारे ऊपर आ गए या सारे नीचे आ गए, वट एवर, ठीक हाँ जी है। हाँ जी हाँ तो जी वो आप फिर डायरेक्ट उठा के उसको डिलीट क्यों नहीं करते? फिर अपने को फाइंड एंड सेलेक्ट में क्यों जाने का? वो कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए हम सॉर्टिंग नहीं लगा रहे उस टाइम, फिल्टर से ही काम करना चाह रहे हैं, तो ये एडिशनल ऑप्शन है कि आप फिल्टर में इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। कई बार ऐसी, मैंने ये चीज आपको जो सिलेक्शन दिखाया है वो सिर्फ डिलीट करने के लिए नहीं बताया है। अब मैं कहता हूं कि मुझे कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक डेटा है वही कॉपी करना है, सपोज मुझे इसमें से सिर्फ बानी का ही डेटा चाहिए, अब मुझे कॉपी करना है तो मैं ये चाहूंगा कि खाली बानी का डेटा हो। कई बार क्या होता है कि पूरा डेटा उठ के सामने आता है, यहाँ पे करूंगा तो पूरा डेटा मेरा आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ नहीं आया, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा हो जाता ओके ओके ठीक है जी। तो उसके लिए वो ठीक प्रिवेंशन है। है, उसको बरतेंगे तो आपका डेटा कभी भी मतलब गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब गड़बड़ कर गया ये बीच में। ओके 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 तो ये हैबिट लेना अच्छी बात होती है, मतलब इसमें ठीक आप है 100% श्योर होते हैं कि कहाँ कहीं कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है जी। ओके।
अब स्टार्ट करते हैं फिल्टर से। फिल्टर के बारे में हम खाली सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारा फिल्टर फिल्टर ही होता है, यहाँ तक, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसको कर लिया। अब फिल्टर में एडिशनल ऑप्शन होते हैं हमारे हर एक चीज के लिए, डेट के लिए अलग होता है, टेक्स्ट के लिए अलग होता है, नंबर्स के लिए अलग होता है। तो जब आप इसमें इसके ऑप्शन खोलेंगे, ऑप्शन क्या मैं कैसे खोलता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट दबा के रखते हुए डाउन एरो प्रेस करता हूं, ऑल्ट दबा के रखते हुए डाउन एरो प्रेस करता हूं, तो ये ऑप्शन मेरे सामने खुल जाते हैं। सपोज आप कोई लिस्ट एंटर कर रहे हैं और इसमें से ऊपर से कोई चीज डालना चाहते हैं, तो आप यही करेंगे, ऑल्ट दबा के रखते हुए डाउन एरो, तो आपको एक लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है जी, तो आप, आर दबा हाँ के डाउन, ठीक जी, है। हाँ जी, दबा के रखते हुए डाउन, तो इसी तरह से फिल्टर भी खुलता है और नॉर्मल टेक्स्ट में एक लिस्ट भी खुलती है वैल्यू एंट्री के लिए। अब चलते हैं इसमें डेट की तरफ, डेट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे। जब मैं डेट का ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है डेट फिल्टर, जिसके अंदर हमारे मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी, सॉर्ट के भी ऑप्शन इसी में ही आ जाते हैं आपके, पर मेन है ये डेट फिल्टर। अब डेट में आपको डेट दिखाएगा, डेट को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, जैसे ये आपको जो दिखा रहा है अभी ईयर्स दिखा रहा है, इसके अंदर प्लस को इसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो बाकी मंथ जितने अवेलेबल है वो दिखाएगा, मंथ को एक्सपेंड करेंगे तो डे दिखाएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्शन वगैरह ऑफ ऑन कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। ठीक है जी, पूरे पूरे ईयर चाहिए तो डायरेक्टली सिलेक्ट है, पूरा पूरा ईयर हटाना है तो यहाँ से हटा दिया, या अंदर तक पूरा हट गया। ठीक है जी, अब इसमें तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी डेट फिल्टर में हम जैसे कोई डेट है इक्वल टू, कोई एक डेट डालना चाहते हैं कि आ जाए 9 जनवरी 14, और आप ये भी लिस्ट खोल के देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको अवेलेबल डेट्स दिखा देगा। 9 जनवरी 14 वाली मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर होगी तो आ जाएगी फिल्टर में। यहाँ से मैं कोई डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 फरवरी 15, ये आ गई यहाँ पे। इक्वल टू में जो डेट के इक्वल टू है वो वाली ले लेगा, बिफोर, बिफोर मतलब कि किसी डेट से पहले वाली वैल्यू। तो मैंने 2006 से शुरुआत की थी इसकी, तो मैं डालता हूँ इसमें 10 जनवरी 2007, इससे पहले की डेट जो है मुझे दिखा देगा, 10 जनवरी 2007 से पहले की डेट मुझे दिखा देगा, और बिफोर, बाकी की नहीं दिखाएगा, बाकी बाकी की बाकी की नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, जो पहले पहले वाली बट होंगी, बाकी की बाकी बट बाकी की डेटा में है, बट हमें खाली वही दिखाएगा जो हमने अभी जस्ट प्रॉम्प्ट किए हैं उसको। यस सर, ये फिल्टरिंग जी प्रोसेस होता है ना, फिल्ट्रेशन का, फिल्टर ओके करके ओके वही डेटा दिखाएगा जो आपको चाहिए। तो ये प्रोसीजर्स हैं उसके। ओके आफ्टर मतलब अब जैसे 15 तक मेरा 1 जनवरी 14 के बाद का डेटा, तो ये 1 जनवरी 14 के बाद का डेटा दिखा रहा है मुझे सारा। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने नाम, सिटी और सेल्स मंथ वो भी सब चेंज कर दिए अकॉर्डिंगली। हाँ जी, हाँ जी सर, वो सब उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। ठीक है, बिटवीन में क्या कर सकते हैं हम, कि जैसे 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जून 14 तक का डेटा, ठीक है जी, इसके बीच का डेटा तो इसने दिखा दिया यहां से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। टुमारो, टुमारो ये स्पेशल फिल्टर है, जैसे कल आने वाली डेट, कल आने वाली डेट इसमें नहीं है तो नहीं दिखाएगा। टुमारो, एक्जेक्टली टुडे, टुडे की डेट, आज की डेट, तो ये आप किसी डेटा पे सेट करके रख सकते हैं। मान लीजिए कुछ चेक आज एक्सपायर होने वाले हैं, तो आप टुडे पे सेट करके रखेंगे, हर दिन आपको ये नई लिस्ट दिखाता रहेगा जितने भी टुडे के हैं। बट ये टुडे टुमारो का रेफरेंस ये कहां से ले रहा है, जो हमें नीचे टाइम दिखा रहा है अपनी क्लॉक में, या इंटरनेट से लेता है वो लोकल टाइम? ये मेरे ख्याल से आपके सिस्टम का जो टाइम है वो लेता है,
ओके ठीक ठीक है जी। यस्टरडे कल आने वाली डेट, मतलब बीती हुई डेट, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते में, 19 मई दिखा दिया, दिस वीक इस हफ्ते की, इस हफ्ते की कोई डेट नहीं है इसके अंदर, लास्ट वीक, लास्ट वीक में बीती हुई डेट, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, आने वाला मंथ, जून की डेट दिखा दी इसमें, दिस मंथ की डेट हो गई, देन लास्ट मंथ, बीते हुए मंथ की डेट, तो इसी तरह से इसमें दुनिया भर के ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर के, जुलाई अगस्त सितंबर, समझ गया। दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर उसी तरह है, नेक्स्ट ईयर अगले साल की डेट, ठीक है। दिस ईयर और लास्ट ईयर भी इसी तरह चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओके ईयर टू डेट, मतलब ईयर स्टार्टिंग से 1 जनवरी 2014 से लेकर आज तक की डेट का, आज तक। हाँ जी, आज तक की डेट का डेटा, ठीक है जी, तो ठीक ये ईयर टू डेट होता है। उसके बाद ओके ऑल डेट्स इन पीरियड, इसके अंदर आप यहां से चूज कर सकते हैं क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी, पर इसमें जो हम चूज करेंगे, जैसे हम जनवरी चूज करते हैं तो मतलब हर ईयर का जनवरी है वो, खाली इसी ईयर का जनवरी नहीं है, हर ईयर का जनवरी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ये फिल्टर चलते हैं, डेट फिल्टर, ठीक है जी। डेट के लिए आपके पास इतने ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आ गया। अब टेक्स्ट फिल्टर में वैसा ही है, इक्वल टू, इक्वल टू मैंने कहा संदीप, संदीप का खाली डेटा दिखा दिया, डज नॉट इक्वल टू किसी एक का छोड़ के बाकी का डेटा दिखा दिया, वाणी का छोड़ के बाकी सारा दिखा दिया। ठीक है। अब एक पावरफुल ऑप्शन है बिगिंस विद, मतलब जो करेक्टर एस से शुरू हो रहा है उसका डेटा दिखा दे, या एस ए एन हो, जहां कोई भी बिगिंस विद एस, तो एस से शुरू होने वाले संदीप, सुरेश, सारे दिखा दिए इसमें। इसी तरह से आपके पास है एंड विद, एंडिंग डेटा, जैसे पी से एंड होना चाहिए, ठीक है जी, एंडिंग उसकी पी से होनी चाहिए। कंटेन्स यानी बीच में ऐसा कोई सिग्निफिकेंस हो, बीच में मैं करता हूं कि आर हो, बीच में हो, बिगिनिंग में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, आर हो, कंटेनिंग उसमें होनी चाहिए। डज नॉट कंटेन, मैंने कहा डबल ई नहीं होना चाहिए, तो ये वाले दिखा रहा है, ठीक है जी, डज नॉट कंटेन के। तो ये सारे ऑप्शंस आपके अंदर टेक्स्ट में होते हैं। नाउ चलते हैं नंबर फिल्टर में। नंबर फिल्टर में सिंपल है, इक्वल टू है, इक्वल टू सेम नंबर, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू सेम नंबर, इसमें स्पेशल है ग्रेटर देन, मैं कहता हूं कि ग्रेटर देन 80 दिखाए ओनली, तो ग्रेटर देन 80 दिखा रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, लेस देन 10 करता हूं, नहीं है कोई, लेस देन 20 करता हूं, है, लेस देन इक्वल टू 10 करता हूं, तो इक्वल टू 10 के हैं। देन बिटवीन, मैंने कहा 10 से 20 के, 10 से 20 की वैल्यू वाले, तो 10 से 20 के बिटवीन वाली वैल्यूज दिखा रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें लिखा है इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, इज लेस देन और इक्वल टू 20, 10 से और 20 के बीच में हो जाएगा, और 10 और 20 भी ले लेगा।
हाँ, इसमें एक कीवर्ड लगा हुआ है एंड। ओके एंड का समझ गया। मतलब जानते हैं, एंड और दो कीवर्ड लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये जो हाँ यार मैं एंड और जो पढ़े जाएंगे, वो पढ़े जाएंगे सिंगल सेल के लिए, कंडीशन सिंगल सेल के लिए, कि वैल्यू जो है 10 से बड़ी हो, 10 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, और 20 के इक्वल हो या उससे छोटी हो, तो ये कंडीशन लग जाती है। तो 10 से बीच की, 20 के बीच की वैल्यू दिखा रहा, ठीक है जी। अगर इसी में और ले लेंगे तो क्या दिखाएगा? अगर इसी में हम और ले लेते हैं, तो ऊपर वाला पकड़ेगा कि नीचे वाला पकड़ेगा? इन दोनों में से जो ट्रू बैठ जाएगा वो पकड़ लेगा। मतलब क्या है कि अगर हमारी वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 20 हुई, लेस देन और इक्वल टू 20 हुई, तो ये नहीं चेक करेगा कि 10 से बड़ी है कि नहीं है। मतलब क्यों? और कर दिया ना सर, हमने हमने उसे छूट दे दी यहाँ पे। जैसे तो हम अपने आप ऑप्शनल है, वो जो पकड़ लेगा, ऊपर वाला क्यों नहीं पकड़ता, वो 10 से ज्यादा वाली पकड़ ले। अच्छा मतलब जो मिल जाएगा वो हर एक सेल पे चेक करेगा। अब देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 10 हो या 10 से बड़ी हो, तो सिंगल सेल में चले करेगा। अगर उसे 10 मिल गई तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 10 उसके लिए राइट मान लिया यहाँ पे उसने, है या ना। तो इसी तरह से जब इन दो कंडीशन की बात करेंगे, तो इन दोनों में से जब भी एक में वो बैठ जाएगा तो अगले की केयर नहीं करेगा, ठीक है जी। ठीक है। देखिए, अब ये जो बात है, इसमें ये ग्रेटर देन 10 है इसलिए दिखा रहा है, पर 20 वाले को उसने वो नहीं किया, चेक नहीं किया, है कि नहीं, हाँ बट ये 20 से लेस नहीं है। हाँ है ना। तो उस ऑप्शन का कोई सिग्निफिकेंस क्या हुआ? वो कोई पहली वाली पकड़ रहा है या दूसरी वाली पकड़ रहा इस केस में इसने पहली वाली पकड़ी, वो 20 वाली पकड़ी, है? सेकंड हाँ वाली, पर कई वैल्यू होंगी जो 10 से छोटी होंगी। सपोज इसमें था 9, था खाली 9 था, मेरे ख्याल 10 से छोटी थी कोई नहीं थी। अच्छा 10 थी, ओके 10 थी या तो फिर 10 इसलिए क्यों नहीं पकड़ी? जब हमने और ऑप्शन दिया है तो 10 वाली भी ऑप्शन वैलिड होनी चाहिए ना, या फिर और दूसरी पकड़ के चल रहा हो खाली? उन दोनों में से एक कोई भी जहां फिट बैठेगी वहां वो ट्रू कर देगा सर, एक कोई भी फिट बैठे, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक और है एंड ठीक में है। क्या था कि दोनों वो चेक कर रहा था, हाँ एंड में तो क्लियर है, इसमें वो अपने आप डिसाइड करता है मैं पहली पकड़ूं या दूसरी पकड़ूं। हाँ वो उसमें से सब में चेक करेगा, जिसमें फिट बैठ गया वो उठा लेगा, ठीक है वो ठीक। दूसरी कंडीशन के लिए केयर नहीं करेगा। ओके, या उसमें हो सकता है कोई नंबर ऑफ एंट्रीज जिसमें ज्यादा हो वो पकड़ता हो, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है ना? नहीं, जो फिट बैठ जाए सर। देखिए, ठीक है चेक तो उसने एक ही सेल करनी है ना। अब उसने पहली बार चेक किया कि लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, वो बैठ गई सेट इस पे कि ये ग्रेटर देन 10 है, इक्वल टू 10 तो नहीं है पर ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ ओके हो या गई। फिर और लगा था इसलिए उसने नेक्स्ट कंडीशन पे गौर ही नहीं किया कि 20 या उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है समझ जी। गया संदीप। ठीक है ठीक है। अब है टॉप 10। टॉप 10 का मतलब है कि आप जो उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 20, जितना भी चूज करना चाहे वो ठीक यहां से है चूज कर ठीक सकते है। हैं, उतने आइटम उठा सकते हैं। टॉप 10 आइटम का मतलब है टॉप, नहीं टॉप 5 आइटम मतलब टॉप 5 सेल्स, टॉप 5 हाईएस्ट वैल्यूज, ठीक है जी। तो 5 सेल में हमारे हाईएस्ट ही पड़ी है, तो इसने हाँ पहली 5 उठा ली। टॉप 10 में क्या लिया उसने फिर? सबसे बड़ी जो 10 है वही लिया उसने। हाँ, सबसे बड़ी वाली जो होंगी, जैसे मैंने यहाँ 5 दिया था तो 5 बड़ी वाली वैल्यू होंगी। अब इधर था आइटम, इसको मैं कहता हूं परसेंट, टॉप 5%। वो क्या करेगा, पूरे डेटा में को सम करेगा, फिर उसमें से 5% लार्जेस्ट वाली छाटेगा और फिर वो दिखा देगा टॉप 5%।
मतलब जो अगर 100% शेयर है पूरी सेल्स का, तो जो 5% शेयर हाईएस्ट सेल्स कवर कर रही होंगी वो यहां से दिखा देगा। ठीक है जी, इसमें सेल नहीं है, परसेंट है, वो पूरे डेटा को 100% मान रहा है, उसमें से उसने फिर 5% हाईएस्ट सेल्स चूज की। इसी तरह से हम बॉटम को भी चूज कर सकते हैं। अब बॉटम 5% चूज करेंगे तो हमारी छोटी छोटी सेल्स ज्यादा होंगी, यानी 5% का जो शेयर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बॉटम 5% दिखा दी। अगर बॉटम 5 आइटम बोलेंगे तो बॉटम 5 आइटम दिखा देगा। ठीक है सर, अबव एवरेज, एवरेज से जो बड़ी हैं, और बिलो एवरेज, एवरेज से जो छोटी हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया, ठीक ठीक है। है जी। देन आपके कस्टम फिल्टर्स हैं। अब कस्टम फिल्टर में क्या होता है कि आपके सामने, वहां देख रहे थे आपके सामने सारी कंडीशन बना के दी हुई थी, और नंबर की भी लिमिटेशन थी कि नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जो कस्टम ऑटो फिल्टर है इसके अंदर आपके सारे ऑप्शन आते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, डज नॉट एंड नॉट इक्वल टू, लेस देन, बिगिंस विद, कंटेन्स विद, सारे ऑप्शन आते हैं विद और के साइन के साथ। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपना फिल्टर यूज कर सकते हैं। ये सारा फिल्टर के बारे में टोटल, तो फिल्टर इतना ही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करवा दूं कि कैसा रहेगा? और करवा दो अगर समय। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करवा दो, अच्छे कवर हो जाएगा ना, फिर मुरली के साथ हो जाएंगे। अच्छा, इसमें पाइवट टेबल और इसमें क्या फर्क है फिल्टर और सॉर्टिंग में संदीप? ये देखिए, फिल्टर और सॉर्टिंग जो होते हैं, मतलब जिनको छोटे मोटे काम के लिए फिल्टर सॉर्टिंग से हो जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत काम है। अब पाइवट में क्या होता है कि पूरी तरह से समराइज हो जाता है डेटा सर। सपोज अभी तो हम कर रहे थे कि हम सॉर्टिंग कर रहे थे, पर समरी नहीं बना रहे थे हम इसकी। जब बात आती है समरी बनाने की डेटा की, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? समरी होती हैं, पूरा डेटा नहीं होती हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि हर एक बंदे ने कितनी कितनी सेल्स की है, तो ये आ गई टोटल सेल्स। जब मैं बात करूंगा हर मंथ में कितनी कितनी सेल्स की है, तो हर एक की सेल्स आ गई इसमें, मंथ वाइज सेल्स, हर एक की मंथ वाइज इतनी इतनी सेल हुई। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारा फिल्टर, ये पाइवट टेबल्स यूज होते हैं यही सब बनाने के लिए। ठीक है जी, बहुत सारे ये चीज फिल्टर और सॉर्टिंग में नहीं दिखाएगा, ये सम वगैरह अलग से नहीं, ये चीज नहीं दिखाएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेट है, अब डेट को मैं कहूँ, चलिए डेट को निकालता हूँ। अब जैसे सिटी, सिटी वाइज क्या क्या सेल हुई। अब मान लीजिए मैंने यहाँ मंथ डाला और सिटी को यहाँ डाल दिया। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से पहले तो चूज कर सकता हूँ सिटी की, इन सब की पलवल में कितनी सेल हुई है, इन सब की इसमें कितनी सेल हुई है सोनीपत में, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, अलग अलग फिल्टरिंग ऑप्शन है। और एक ऑप्शन होता है कि मैं इनकी तुरंत अगर मुझे रिपोर्ट बनानी है ना, कि सबकी हर एक सिटी वाइज सेल्स बनानी है, तो ये अब इनकी आप यहाँ देखेंगे शीट के नाम भी उसी चीज, पलवल, दिल्ली, सोनीपत, नोएडा, कुरुक्षेत्र, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, सारी सेल्स आपको यहीं उठा के दिखा देगा। मतलब उस हिसाब से रिपोर्ट फॉर्मेट हो जाएगी। नीचे आप जो वो आपके जो नीचे जो एक्सिस दिखाए हुए हैं 1 2 3 4, वो क्या सिग्निफाई करते हैं नीचे, जहां पे वो अपने अभी जहां राइट साइड दिखाया था ना अभी, सिटी। अच्छा, ये वाले सिटी रोज एलन, ये क्या है नीचे? हाँ हाँ हाँ, ये रिपोर्ट फिल्टर है। कॉलम कॉलम में क्या डालना है आपको, रो में क्या डालना है, वैल्यू में, इसकी सर 2 घंटे की पूरी क्लास होगी जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलो ठीक है, ये बड़ी चीज है, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, ये बड़ी चीज है, इसको आराम से समझाऊंगा आपको पूरी। ओके फाइन, ठीक ठीक है जी।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जैसे नंबर फॉर्मेट है वैसे सर कंडीशन फॉर्मेट है, या नॉर्मल कोई भी बोल्ड इटैलिक जो भी फॉर्मेटिंग होती है जो कि बेस्ड अपॉन है कंडीशन करना चाहते हैं हम। कोई भी फॉर्मेटिंग जो कि बेस्ड होगी एक कंडीशन पे उसको कहेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है सर। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सेल्स का डेटा सिलेक्ट कर लिया, अब मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे ये ऑप्शन है मेरे पास, तो हाईलाइट सेल रूल्स है। अब हाईलाइट सेल रूल्स क्या करते हैं कि सेल को हाईलाइट किसी भी एक रूल पे करते हैं, जैसे वैल्यू, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 तो वो सेल हमारी हाईलाइट कर देगा। सॉरी, किस फॉर्मेट में, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट दे रखे हैं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये सारे मेरे पास हैं। और मैं चूज कर सकता हूँ कस्टम फॉर्मेट, अपने हिसाब से वो फॉर्मेट चूज कर सकता हूँ। फिल में जाके मैंने कहा येलो कलर कर दो, बस मुझे ये सारे कलर नहीं चाहिए, तो येलो कर दिया इसने। यहाँ पे आप वैल्यू चूज कर सकते हैं, जैसे वैल्यू 80 से बड़ी होनी चाहिए, 80 से बड़ी होनी चाहिए, वो कर गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अब जब वैल्यू 80 से बड़ी का मैंने लगाया तो 80 से जब छोटी होगी तो ये फॉर्मेट हट जाएगा, जैसे ही वैल्यू 80 से अस्सी या 80 से बड़ी होगी तो ये 80 से बड़ी होगी तो कलर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं हम तो उसको हटाना जरूरी है, अदरवाइज वो एक में दूसरी में मर्ज होती रहती है। ठीक है जी। जब हमें देखना हो कि कितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ लगी है तो मैनेज रूल में जाते हैं। मैनेज रूल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन सी कंडीशन लगी है और क्या फॉर्मेट हो रखा है। हम इसको एडिट रूल कर सकते हैं, न्यू रूल कर सकते हैं या डिलीट रूल कर सकते हैं। यहाँ से हम कहाँ लगी है, सिलेक्शन में लगी, करंट सिलेक्शन में, या दिस वर्कशीट में कितने लगे, तो सारे फॉर्मेट यहाँ दिखा देगा मुझे। मुझे क्या करना होता है, यहाँ से डिलीट करना होता है फिर अप्लाई। ठीक है जी। नहीं तो वो एक के ऊपर एक मर्जिंग लेता रहता है, एक के ऊपर एक फॉर्मेट आते ही रहते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, फिर आपस में कोलाइड होते हैं, फिर वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है। हाँ जी। तो हमने देखा कि हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन का रूल है, इसी तरह लेस देन का है। लेस देन 20 या मैं लेस देन 50 हाईलाइट कराना चाहता हूँ, पहले मुझे पूरा सिलेक्शन देना पड़ेगा, देन करूंगा। तो लेस देन का भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेस देन 50 या जो भी फॉर्मेट वही चूज कर सकते हैं। बिटवीन, अब जैसे 10 से 20 के बीच की वैल्यू है, बिटवीन चूज कर सकता हूं मैं, यहाँ 20 और 11 ये हाईलाइट हो गया। दूसरा इक्वल टू, किसी पर्टिकुलर उसके इक्वल टू हो जाए 81 जैसे, वो हाईलाइट हो जाएगी। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब ये जो आ गया मैंने अभी आपको बताया फिल्टर में कंटेनिंग का, तो मैं इसमें यहां से चूज कर सकता हूं कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहां पे मैं कुछ भी डाल सकता हूं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। कंटेन्स मतलब बीच में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, डबल ई हो, जिनके भी हो, कोई पर्टिकुलर नेम है, तो मैं वो यहां से देख सकता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है जी। और डेट अकरिंग, डेट अकरिंग का ऑप्शन है उसमें कि मतलब जहां कोई पर्टिकुलर डेट आ रही है, तो डेट अकरिंग पे जाऊंगा मैं। डेट अकरिंग पे क्या क्या डाल दूंगा, यस्टरडे, टुडे मतलब कल की डेट जो गुजरी है, टुडे आज की, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज पिछले बीते हुए 7 डेज में, लास्ट वीक में, दिस वीक में, नेक्स्ट मंथ, ये वही वाले ऑप्शन है, आप यहाँ से चूज कर। ठीक है। ठीक है जी। पर इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि आपको अगर मतलब एक पर्टिकुलर डेट चूज करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। डुप्लीकेट्स वाले, अब डुप्लीकेट्स में मैं क्या करता हूँ, नंबर में जो डुप्लीकेट हो रहे हो, ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे होंगे, तो डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज दिखा सकता है। डुप्लीकेट वैल्यूज सारे ही डुप्लीकेट है, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू को हाईलाइट कर देगा।
और चलते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। जैसे हमने टॉप 10% पढ़े थे ना, और टॉप 10 आइटम 10%, बॉटम 10 आइटम 10%, अबव एवरेज बिलो एवरेज, तो ये सब यहाँ से होते हैं। टॉप 10% मतलब यहाँ आप कितने चाहते हैं कि कितने 10 होने चाहिए टॉप 10 आइटम्स, तो इसमें से टॉप 10 आइटम्स जो हैं वो हाईलाइटेड हो गए। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर रूल से मैं क्लियर रूल कर देता हूँ। ठीक है जी, तो टॉप बॉटम 10, बॉटम 10% अबव एवरेज बिलो एवरेज सारे ही वैसे ही हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो एग्जैक्टली वैसे ही है। नेक्स्ट है डेटा बार्स। डेटा बार्स को आप समझ सकते हैं कि ये एक आपकी तरह जैसे कॉलम चार्ट होता है वैसे होते हैं हमारे डेटा बार। मतलब अगर वैल्यू यहां पे कम है तो ये मुझे कम में दिखाएगा, ज्यादा है तो फुल भरी हुई दिखाएगा, एक कॉलम चार्ट की तरह दिखाएगा आपको ये। ठीक है बट सर, ये यूज कहाँ होता है? अगर कॉलम चार्ट ऑलरेडी यूज होते हैं तो ये कहाँ यूज करते हैं? यूज करते हैं जनरली? करते हैं सर इसको, करते हैं, पर क्या है कि ओके ठीक डेटा है। बार्स आपके डैशबोर्ड में यूज होते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल सी है, आपको ये डेटा दिख रहा है पर आपको ये नहीं पता कि कौन सी सेल अच्छी जा रही है कौन सी बुरी जा रही है। अब जहां 2 डिजिट के नंबर है तो हाँ तो आसान है, जहां 5 डिजिट 7 डिजिट के नंबर हैं तो वहां थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी किसकी अच्छी है कितनी। तो आप एक झटके में देखना चाहते हैं तो तो आपको, विजुअली अच्छा रहेगा। ओके हाँ विजुअली आपको समझ आ जाएगा। विजुअली ही हम ठीक सेल आइकॉन्स भी यूज करते हैं उसी तरह के लिए। ओके तो डेटा बार पूरी तरह से इसीलिए यूज होते हैं। अब देखना चाहते हैं कलर स्केल। कलर स्केल आपके कलर पैलेट्स होते हैं, कुछ आपके कलर पैलेट्स हैं जिसमें, अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को बड़ी छोटी करके देख सकते हैं। पहले डालते हैं हम 10, 10 की वैल्यू पर रेड दिखा रहा है, 29 या 30 डाली तो ऑरेंज में आ गया मतलब लाइट हुआ, अब येलो की तरफ बढ़ रहा है, रेड से येलो की तरफ बढ़ रहा है, 50 टोटली येलो में कन्वर्ट हो रहा है, 60 ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब रेड से येलो फिर देन जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा उसमें पूरी तरह से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ये वो स्टैंडर्ड है। किसकी, कलर्स की? हाँ मान लो हमें रेड रेड सबसे टॉप स्कोर चाहिए और अदर वे अराउंड ग्रीन सबसे लोअर स्कोर चाहिए। हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी। ओके ओके तो ये कलर पैलेट्स होते हैं आपके, कलर स्केल्स। देन होते हैं ठीक आपके है। पास आइकॉन सेट। आइकॉन सेट में जैसे जो मैंने कंडीशन बताई उसी के थ्रू आप आइकॉन्स भी लगा सकते हैं, जैसे जो सेल अच्छी है वहां पे राइट का सेम साइन दिखाए, जो सेल थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक सी है एवरेज में जा रही है एवरेज है। हाँ वहां ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन की है और अच्छी हो सकती है, और जो सेल पुअर जा रही है वहां क्रॉस आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये विजुअली अच्छा होता है देखने के लिए, आपको तुरंत पता पड़ जाता है। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है, इसमें जैसे आपके 3 क्राइटेरिया है तो 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, अलग अलग चीजें हैं आपके पास। ठीक है सर, अब क्या करते हैं, अभी यही सारे ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ न्यू रूल में होते हैं, आप मैन्युअली लगा सकते हैं, वो तो सारे प्री डिफाइंड थे। फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, कलर स्केल कौन कौन सा चूज करना है। 3 कलर स्केल था, 3 में आपने बताया कि मुझे चाहिए लोएस्ट वैल्यू पे ग्रीन चाहिए, ठीक है जी, देन वो कन्वर्ट होना चाहिए मिडल वैल्यू पे ग्रीन से येलो में, येलो में ही है, और हाँ हाईएस्ट या वैल्यू जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए रेड हो जाए। ठीक है जी, ओके करेंगे उस हिसाब से दे देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो न्यू रूल के ठीक है। अंदर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यहाँ पे आपके कस्टमाइज कलर कर सकते हैं हम। कलर स्केल है, डेटा बार है,
डेटा बार, मतलब जो आपको डेटा बार जो दिखा रहा था, वो भी एक बार का कलर क्या रहेगा, वो लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आप इसमें आप, हाँ एक और ऑप्शन है शो बार्स ओनली, शो बार ओनली करेंगे तो आपकी वैल्यू पीछे छुप जाएगी और खाली बार्स दिखाई देंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। नाउ क्या करते हैं, इसके आइकॉन सेट है, आइकॉन सेट आप चूज कर सकते हैं। अब आइकॉन सेट्स मैंने दिखाए थे पर उसमें कंडीशन नहीं पता पड़ रही थी क्या कंडीशन सेट करनी है, तो हम यहां से जैसे हमारी तीन कंडीशन है, हम अपना वो साइन ले लेते हैं, कहाँ है थ्री साइन, थ्री कोई भी साइन ले लेते हैं, थ्री साइन फोर साइन फाइव साइन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये तीन है, अब इसमें क्या दे रहा है कि अगर दो चीजें हैं, नंबर परसेंट फॉर्मूला और परसेंट है, तो हम नंबर और परसेंट का ज्यादा यूज करते हैं, फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करते। तो नंबर में क्या होता है कि नंबर में हम सीधे सीधे वैल्यू ले लेते हैं कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, 60 पे हमने दे दिया, जैसे 10 से 90 के बीच की वैल्यू, तो हमने 60 पे दे दिया कि आप मुझे ये ओके में दिखाओ, ठीक है जी। देन मैं चला गया यहाँ पे नंबर, फिर मैंने कर दिया, मैंने कहा कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 होनी चाहिए, और लेस देन 45 की जो वैल्यू है वो डाउन में दिखा देगा। तो आप यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पे उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। ठीक है जी। बाकी पुराने रूल को देखना है, मैनेज रूल, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या एडिट रूल कर दें, वापस इधर ही आ जाएंगे। आइकॉन्स का ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, रिवर्स आइकॉन ऑर्डर, ऑर्डर आप रिवर्स में कर सकते हैं। शो आइकॉन ओनली, मतलब इसमें आपके वैल्यू नहीं दिखाएगा, सिर्फ आइकॉन दिखाएगा, तो इसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला ओनली, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, जिसकी सेल वैल्यू बिटवीन इतने से इतने नंबर के है, या फिर नॉट बिटवीन है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेल वैल्यू के बेस पे, ठीक है जी। स्पेसिफिक टेस्ट कंटेनिंग हो गया, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद एंडिंग विद, वो देख सकते हैं, और फॉर्मेट जो चूज करेंगे वो यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए येलो दिखाना है तो यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट का। डेट अकरिंग, ये वाला हमने बताया था, यस्टरडे टुमारो टुडे ये सब आ रहा है, पर अभी भी इसमें वो चीज नहीं आ रहा है कि अगर मेरे को आज की डेट, मतलब कोई स्पेसिफिक डेट डालनी है 10 जनवरी, तो वो कैसे डालेंगे, ठीक है जी, उसका आगे बताऊंगा। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक, ट॑॰॰॰ 10 या फिर ट॑॰॰॰ 10%, यहां से हम चूज कर सकते हैं। ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, वन सेकेंड सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हेलो 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 संदीप, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो नरेश जी, हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर, कोई हाँ क्लाइंट संदीप। क्वेरी आ गई थी, तो चलिए ओके आगे बताता हूँ इसमें। बेसिकली आइए। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट वैल्यू ओनली दैट वैल्यू आर अबव और बिलो एवरेज, तो यहाँ से अबव और बिलो एवरेज चूज कर सकते हैं। साथ में कुछ स्टैटिकल फंक्शंस भी हैं जो अगर आपको समझ आते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के। ठीक है जी, हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन ठीक है ठीक है। फॉर्मेट ओनली वैल्यू, यूनिक और डुप्लीकेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन वही हैं जो हमारे पहले पढ़े हैं, वही वाले हैं सारे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विथ सेल टू बी फॉर्मेट। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि अब ये तो बात रही कि कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, अब जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए क्या करना है। तो यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल वैल्यू, सच एज हमें लगाना है इसके अंदर वी लुकअप, हमें ये चेक करना है कि उस लिस्ट में कुछ है कि, मतलब कुछ मेरे मेरे पास लिस्ट के नाम है, लिस्ट में दो लिस्ट है नाम की, एम्प्लॉयज के नाम की। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर इसमें वैल्यूज है उनकी तो दूसरे में हाईलाइट करा दे। ठीक है जी, हालांकि इसके लिए मैं तो आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारी ये यहाँ पे मेरी डिवाइस सेल्स है, ठीक है जी। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये सेल्स जो है वो 500 से ऊपर है, या 400 से ऊपर है, तो हाईलाइट करते हैं। ठीक है जी, इन टोटल सेल का जो है, ये जो टोटल सेल है मेरी, ये 400 से अगर ऊपर है तब पूरी रो हाईलाइट कर दे। ठीक है सर, तो इसके लिए पहले तो देखिए ओके हमने लॉजिकल फॉर्मूला बनाए थे, कैसे करेंगे। एक लॉजिकल फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा, तो लॉजिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले तो हम सम करेंगे इसको। टोटल हमने सम किया, ठीक है ठीक है जी, इसमें एक लगा देंगे कि हम क्या ये ग्रेटर देन 400, 400 से बड़ी, हमारे पास आ गया ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ अगर गया। डायरेक्ट हम इफ लगा सकते हैं, डायरेक्ट इफ सम ऑफ बी टू एच इज मोर देन 400 देन सम कलर, ऐसा दे सकते हैं इफ 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 के थ्रू, या सिंप्लीफाई करें पहले। नहीं सर, इसमें हमें इफ की जरूरत नहीं है, हमें लॉजिकल कंडीशंस चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो ट्रू और फॉल्स में होना चाहिए खाली। ठीक है, नहीं मेरा ये कहना है अल्टीमेटली हम यही करना चाह रहे हैं कि अगर ये 400 से ज्यादा होगी तो ये येलो हो जाए रो, या ये रेड हो जाए, ऐसा करना चाह रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा था अगर इसको हम लगाते हैं इज इक्वल टू इफ सम ऑफ से बी टू टू एच टू इज मोर देन 400 देन होल रो कैन बी कलर, ऐसा इफ में नहीं आएगा। इफ में नहीं आता सर ऐसा। देखिए ओके ठीक है ठीक है इफ जो कलर करता है ना, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना लॉजिकल टेस्ट के बीच में, इफ के अंदर हाँ क्या होता हाँ है, लॉजिकल टेस्ट होता है खाली, और टेस्ट के बाद जो है ये वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ट्रू है तो क्या देना है, फॉल्स है तो क्या देना है, ये देता है। तो ठीक है हम यहाँ ठीक बात है कर रहे हैं ठीक सिर्फ लॉजिकल टेस्ट की, जो कि हम लॉजिकल फॉर्मूला से करते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह से ही करते हैं। ठीक है जी, ठीक अब है इसमें क्या ठीक करना है ठीक कि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं या इधर ड्रैग करूं तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि रेंज चेंज हो रही है, यहां से बी से था ये सी से हो गया, तो इस तरह की कुछ
वो ना हो, क्योंकि मैं फॉर्मेट मान लीजिए यहाँ लगाऊंगा फिर इसको फॉर्मेट पे इंटर करूंगा तो डेटा इसके साथ चेंज हो सकता है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बिल्कुल कॉलम को फ्रीज कर दूंगा, रो नहीं फ्रीज करनी है क्योंकि रो मैं चाहता हूँ चेंज हो, ठीक है जी। अब क्या करूंगा, ये फॉर्मूला मैंने बना लिया, इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है जी। अब जाऊंगा अपनी पहली सेल पे यहां जहां मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं, एक सेल पे पहले हमें करना पड़ता है, पूरी रो पे नहीं करेंगे एक साथ, एक सेल पे करेंगे, न्यू रूल जाएंगे, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट, यहां पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी। फॉर्मेट ठीक मैंने है कर दिया कि येलो कर दे, ठीक है जी, ओके कर दिया। ओके अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मेट प्रिंटर लूंगा और उठा के पूरे इसको कर दूंगा, ठीक है सर। ओके तो यहां जहां भी 400 से अबव होगी वो मुझे यहां पे कलर दिखा देगा, अभी देखने के लिए हम यहां देख सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है तो इस तरह से हम फॉर्मूला डाल सकते हैं इसके अंदर, बस फॉर्मूला बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि ओके हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में ही होना चाहिए, ठीक है सर। ओके तो ये था मेरा पूरा टोटल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, तो आज की सभा समाप्त करते हैं सर। गुड यार, इट वाज नाइस, वेरी ओके गुड, सर, थैंक्स संदीप, थैंक बाय यू बाय। सर।